रुको, मैं ना बॉल यहाँ पे फेंकने वाला हूँ, मैंने बॉल फेंक दिया है भाई, मैं मोरस ट्रिगर हो गया शायद यहाँ पे। रुको 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 रुको, लेट्स गो भाई, लेट्स गो, हमने इसको भी पकड़ लिया है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक विद आवर अनदर गेम प्ले वीडियो। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग, आई होप भाई आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। और आज ना हम खेलने जा रहे हैं एक नया गेम जिसका नाम है पाल वर्ल्ड। और भाई मैं ना आप लोगों को सही बता रहा हूँ, ये गेम ना सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो अभी ना मैं आपको इसके बेसिक समझा देता हूँ। देखो ये ना एक बहुत ही प्यारी वर्ल्ड है जिसके अंदर ना हमें पॉकीमॉन्स मिलते हैं। देखो आपने पॉकीमॉन्स तो भाई बचपन में देखा होगा, और इस गेम में ना उनको कहते हैं पास। देखो भाई हम इसमें सिंपली क्या करना है, जो भी हमको पॉकीमॉन्स देखेंगे ना इस प्यारी सी वर्ल्ड में, हमको सिंपली उनकी हेल्थ को लो करनी है, और उसके बाद एक बॉल होती है स्पेयर बॉल जिसको फेंक के हम इजीली उनको पकड़ सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, आगे चल के ना हमें बहुत बड़े बड़े पॉकीमॉन्स मिलने वाले हैं जिनके पास भाई अलग अलग एबिलिटीज होंगी। मतलब अगर देखा जाए तो सबके पास अलग अलग फाइटिंग स्ट्रेटजीज होने वाली हैं। तो चलो यार अभी ना ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं पाल वर्ल्ड के अंदर और भाई देखते हैं आखिर क्या तसीन है यहाँ पे। तो देखो अभी ना हमें गेम में अंदर जाने से पहले यहाँ पर अपना कैरेक्टर क्रिएशन करना होगा। तो चलो भाई इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ, फटाफट से ना यहाँ से ये वाला कैरेक्टर मैं पिक कर लेता हूँ। और भाई एप्स देख रहे हो उसके, काश रियल लाइफ में भाई ऐसे एप्स निकल आए। चलो ये तो हमने कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी यहाँ से आंखें जरा चेंज कर लेते हैं। वो भैंस की आंख भाई ये कितने खतरनाक से लग रही है ना। देखो एक काम करते हैं, सिंपल ही रखते हैं, आई कलर हम रख देते हैं यहाँ पे ब्लू, आई थिंक बढ़िया लगेगा। चलो भाई मैंने आई कलर तो ब्लू रख दिया है। और हेयर स्टाइल भाई, हेयर स्टाइल चेंज करते हैं। रुको रुको, ओ भाई ये गंजा कैसा लग रहा है भाई, बड़ा अजीब सा लग रहा है। रुको रुको, यहाँ पे ना हेयर स्टाइल तो भाई मैं ये रखने वाला हूँ, ये ना कुछ ऐश की तरह लग रहा है जो कि पॉकीमॉन में आया करता था। अभी हेयर स्टाइल भी कर दिया, बाकी इसका फेस, रुको भाई ये कौन सा फेस लगा रखा है मैंने, चेंज करते है भाई इसको ना। और ये कुछ कुछ सिग्मा मेल जैसा लग रहा है भाई, नहीं नहीं ये नहीं रखते हैं, अपना कोई बढ़िया सा इसको स्मार्ट सा बनाते हैं। चलो गाइस अभी ना मैं एक काम करता हूँ, ज्यादा टाइम भाई इसमें वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से कैरेक्टर को बनाते हैं और चलते हैं सीधा भाई गेम के अंदर। ओके तो भाई अभी ना मैं गेम के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ, और भाई पता नहीं इन्होंने किसी अजीब सी जगह मुझे यहाँ पे लाके फेंक दिया। रुको रुको यार, आई थिंक यहाँ से हमें बाहर जाना है, तो फटाफट से बाहर निकलते हैं। और भाई साहब एक बार देख रहे हो यार ये क्या सुंदर वर्ल्ड है ना, काश रियल लाइफ में भाई कोई ऐसी जगह होती है भाई इतनी ग्रीनरी ना। और एक सेकेंड भाई ये कौन सा पॉकीमॉन है, वेट भाई मैं यहाँ पे पहला पॉकीमॉन देखने के लिए मिल चुका है जिसका नाम है चिक पिक पैंस। क्या कितना क्यूट सा है भाई है। तो देखो भाई सबसे पहले ना यहाँ पर हमें कोई बढ़िया सी जगह ढूंढ के अपना बेस बनाना होगा। और ये जो आप चिड़िया देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको इस गेम में कहते हैं टेलीपोर्ट। देखो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, इस गेम का मैप भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो ये नाम को टेलीपोर्ट करने में यहाँ पे काम आने वाला है। और इसको ना मैंने फाइनली यहाँ पे अनलॉक कर लिया है। इसी तरीके का ना भाई इस मैप में बहुत सारे हमें मिलने वाला है, इसके थ्रू हम यहाँ पे इजीली टेलीपोर्ट कर लेंगे। चलो भाई अभी ना फटाफट से चलते हैं, सबसे पहले ना भाई कोई बढ़िया सी लोकेशन ढूंढता हूँ जहाँ पे अपना बेस बनाऊंगा। रुको रुको यार, ज्यादा पॉकीमॉन्स ना जहाँ तक मैंने सुना है भाई नीचे मिलते हैं, तो अपना बेस भी हम वहीं पे बनाने वाले हैं। वैसे जगह तो यार ये भी बढ़िया है, बट नहीं यार देखो मैं ना नीचे ही बनाने वाला हूँ भाई। देखो अपने को पॉकीमॉन्स पकड़ने भाई नीचे जाना होगा, और बार बार अगर मैं ऊपर आऊंगा तो यार काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो फटाफट से ना नीचे चलते और कोई बढ़िया सी जगह ढूंढते और बेस बनाते हैं। देखो यार यहाँ पर ना खाली सा ग्राउंड है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे आसपास कहीं पे बना लेते। और वेट भाई यहाँ पर मैं एक और पॉकीमॉन देखने के लिए मिल चुका है जो कि भाग रहा है भाई मेरे से दूर। भाई कुछ भी यार यहाँ के जो पाल्स है ना भाई काफी ज्यादा क्यूट से है। और वेट भाई यहाँ पे ना मुझे प्लेन सरफेस मिल चुका है, तो एक काम करते हैं अपने बेस को ना भाई यहीं पे बनाते हैं। और एक सेकंड ये जगह फाइनल करते हैं। रुको रुको, बेस बनाने के लिए भाई हमें यहाँ पर सबसे पहले अपनी वर्क बेंच लगानी होगी। देखो जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, आप में से काफी लोगों ने भाई माइनक्राफ्ट भी खेला होगा, तो ये गेम ना भाई डिट्टो माइनक्राफ्ट जैसा भी आप लोग कह सकते हो। जैसे माइनक्राफ्ट में अपनी क्राफ्टिंग टेबल होती है ना, तो भाई इस गेम में होती है वर्क बेंच। तो देखो इसको बनाने के लिए ना यहाँ पे दो वुड चाहिए होंगे, तो भाई फटाफट से ना पहले वुड तोड़ लेते हैं। भाई देखो अभी मेरे पास कुछ तोड़ने के लिए है नहीं, तो भाई अपने को यहाँ पे पेड़ में घूसे बजाने पड़ेंगे। वेट भाई मुझे यहाँ पे पड़ी भी मिल गया वुड। ओके आई थिंक अपने पास वुड हो चुका है, तो फटाफट से ना वर्क बेंच को मैं कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ सेंटर में बनाते हैं ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया है और इसको जल्दी से यहाँ पे बिल्ड कर देता है। और वो देखो भाई ये जो आपको बॉल दिख रही है ना भाई चमचमाती हुई, ये है पाल्स पेयर, इसकी मदद से ना हम यहाँ पे पॉकीमॉन्स को इजीली पकड़ सकते हैं। चलो भाई अभी ना एक काम करते हैं, लगे हाथ भाई ट्राई भी कर लेते हैं। अपने को पाल्स पेयर तो मिल ही चुके हैं, देखो भाई ये पॉकीमॉन है और अभी ना एकदम शांत ही है, और अगर मैं इसको मारूंगा तो भाई ये भी मुझे उल्टा मारने वाला है। देखो इसको पकड़ने के लिए ना पहले हमें इसको काफी ज्यादा कूटना पड़ेगा, एक तो इतना क्यूट सा है ना भाई, रुक जाओ कहाँ जा रहा है,
इसको फटाफट से ना पे कूटना स्टार्ट करते हैं और भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही गंदी तरीके से फैल रहा है और आई थिंक इतना काफी है। चलो इसको फटाफट से कैप्चर करते हैं और लेट्स गो भाई। हमने ना यहाँ पे अपना पहला पॉकीमॉन कैप्चर कर लिया है। अभी ना देखो इसी तरीके से हमें और पाल्स पेयर बनानी है और भाई पॉकीमॉन को पकड़ना है। देखो अभी ना मैंने इस बॉल में इसको कैप्चर कर लिया और भाई ये रहा। अब मैं इसको जो भी कमांड दूंगा ना ये वो सब यहाँ पे करने वाला है। एक काम करते हैं इसको ना मैं कमांड देता हूँ यहाँ पे इसको पेट करने की। भाई ये देखो मेरे पास आ चुका है, फुल खुश हो रहा है यहाँ पे। ये ना मेरी भाई काफी काम से भी मदद करने वाला है। अगर मुझे कुछ बिल्ड करवाना ना तो मैं इजिली यहाँ पर इसे बिल्ड करवा सकता हूँ। तो चलो अभी ना एक काम करते हैं भाई फटाफट से पास फेयर बनाते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे रात भी कुछ ही देर में होने वाली है। अभी सबसे पहले मुझे क्या बनाना होगा? ओके यहाँ पे ना सबसे पहले मुझे टूल्स बनाने हैं जो कि मेरी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, पेड़ काटने में, स्टोन्स तोड़ने में, और यहाँ पे मशाल भी है जो कि हमारे रात को काम आने वाली है। तो चलो यार अभी ना इनको बनाने के लिए हमें वुड और स्टोन चाहिए। तो फटाफट से एक काम करता हूँ यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से वुड और स्टोन तोड़ते हैं और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। नहीं मतलब मुझे यहाँ पे मजदूरी करते हुए भाई बहुत देर हो चुके हैं और अपने पास अभी कितने हुए हैं देखो, मैंने 16 वुड की और 16 स्टोन के हैं। और इसको देख रहे हो भाई घूम रहा है यहाँ पे, ये नहीं मेरी हेल्प करवा दे अंदर फटाफट से। भाई साहब यार इस चीज में हेल्प नहीं करवाते यार ये लोग ना। और यहाँ पे स्टोन पड़े, चलो इसको भी उठा लिया है। अभी ना फटाफट से पास पेयर्स बनाते हैं और भाई निकलते हैं सीधा पॉकीमॉन्स पकड़ने के लिए। मैं नहीं रुकने वाला भाई यहाँ पे छोटे मोटे पॉकीमॉन्स के लिए, अपना बड़े बड़े पॉकीमॉन्स पकड़ेंगे भाई हम लोग। तो चलो यहाँ पे मैंने एक तो ये क्रिएट कर लिया, एक सेकंड इसमें आई थिंक ये मेरी हेल्प करेगा। ओके तो भाई ये इस चीज में मेरी हेल्प करता है, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल में हेल्प करता है। चलो यहाँ पे मैंने एक चीज बन चुकी है, अब बनाते हैं यहाँ पे स्टोन पिकेक्स को भी फटाफट से बना लेते हैं। चलो गाइस अभी मैं एक काम करता हूँ फटाफट से इनको बना लेता हूँ और भाई फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो अभी ना मैंने अपने सारे टूल्स बना लिए, अब हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अनलॉक करने वाले हैं। देखो ये होते हैं अपने टेक्नोलॉजी पॉइंट्स और भाई इनसे ना इन सारी चीजों को अनलॉक कर देंगे जो कि हमारे इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैं अनलॉक कर रहा हूँ यहाँ पे पाल बॉक्स जिसमें कि हम सारे अपने पॉकीमॉन स्टोर करेंगे। और ये तो पाल स्पेयर है जिसमें हम पॉकीमॉन्स को पकड़ेंगे और कैंप फायर अपनी रात को काम आने वाली है क्योंकि भाई यहाँ पे ना रात को काफी ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये अपने काफी काम आएगी। और ये है वुडन चेस्ट जिसमें हम अपना सारा सामान स्टोर करेंगे और रिपेयर बेंच से हम अपने टूल रिपेयर करेंगे। और ये मुझे नहीं पता क्या है स्ट्रक्चर तो इसको अभी रहने ही देते हैं। और अभी ना यहाँ पे अपने 8 पॉइंट्स भी बचे हुए हैं तो एक काम करते हैं एक्सबो को भी यहाँ पे अनलॉक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एरोज को भी अनलॉक कर लिया है और बेड भाई अपने काम आएगा क्योंकि रात होगी ना माइनक्राफ्ट की तरह भाई, इसमें भी हमें बेड पे सोना पड़ता है। चलो अभी ना मैंने सब चीजें अनलॉक कर लिया है, अब यहाँ जाके हम उनको बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजीज तो मैंने यहाँ पे अनलॉक कर लिया और भाई ये देख रहे हो यहाँ पे रात भी होने वाली है। भाई अपने को ना रात को फटाफट से एक काम करते हैं कैंप फायर लगा लेता हूँ भाई, वो अपने काफी ज्यादा काम आने वाली है। कैंप फायर को यहीं पे अभी फिलहाल के लिए प्लेस कर देते हैं, वो तो बाद में हम जगह इनकी चेंज कर देंगे। ओए जल्दी करवा भाई तू फटाफट से काम करवा यहाँ पे। चलो अपना कैंप फायर भी अभी रेडी होने वाला है। ओके लेट्स गो भाई, कैंप फायर यहाँ पे लग चुका है। अभी जल्दी जल्दी से और चीजें बना लेते हैं भाई यहाँ पे। पाल बॉक्स सबसे ज्यादा जरूरी है तो एक काम करते हैं जल्दी से पाल बॉक्स को भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ क्योंकि भाई देखो जितने भी हम पॉकीमॉन्स पकड़ने वाले ना भाई वो सब मैं इसी में स्टोर करूंगा। चलो यहाँ पे पाल बॉक्स को भी हमने लगा लिया है। ये पाल बॉक्स ना भाई अपने बहुत काम आएगा। देखो इसमें हम ना अपने पॉकीमॉन्स को रख सकते हैं और इसी से हम अपने बेस में भी निकाल सकते हैं। वेट भाई मुझे यहाँ पे ठंड लग रही है यार, ये भी सीन है। देखो यहाँ पे ना भाई रात होने में ठंड लगती है मुझे ना, मेरे पास अभी कपड़े भी नहीं है तो मुझे बॉन फायर के पास रहना पड़ेगा। चलो यार अभी एक काम करता हूँ फटाफट से ना पहले बेड बनाते हैं। भाई यहाँ पे रात में सर्वाइव करना अभी के लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल है तो एक काम करता हूँ भाई फटाफट से बेड बनाता हूँ और भाई जल्दी से सोते हैं यहाँ पे। ओए एक सेकंड भाई ये तो सो भी गया यहाँ पे, रुको यार अभी ना एक काम करता हूँ मैं भी फटाफट से बेड बना लेता हूँ और मैं भी चल के सोता हूँ भाई क्योंकि ठंड को ज्यादा ही है यहाँ पे। यहाँ पर प्लेस कर देते हैं एक सेकंड। भाई ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हम बेड को सिर्फ इंडोर में ही बना सकते हैं। अबे यार भाई अभी इतना अपना लेवल नहीं है कि हम यहाँ पर कोई इंडोर हाउस बनाए। देखो आपको ना यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में एक मून दिख रहा होगा, उससे में पता लगता है कि भाई कितने देर में दिन होने वाला है, जस्ट थोड़ी देर की बात है। इतना मैं एक काम करता हूँ भाई काफी सारी ना पाल्स पेयर बना लेता हूँ क्योंकि भाई सुबह ना मैं जाने वाला हूँ भाई सीधा शिकार पे, भाई वहां जाएंगे और बहुत सारे पॉकीमॉन्स पकड़ने वाले हैं कलम। अब एक काम करता हूँ मैं ना यहाँ पे पास पेयर बनाता हूँ और आपको मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में। ओके तो भाई अभी ना मैंने यहाँ पे काफी सारी पास पेयर बना ली हैं, अभी निकलते हैं भाई फटाफट से शिकार पे। और अबे भैंस की आग, अबे इसने इसको उठा ही लिया भाई यहाँ पे, एक सेकंड अबे उतरेगा कैसे है? एक सेकंड भैंस की आग, अच्छा मैं अब समझा भाई मैं ना इसको लिफ्ट भी कर सकते और भाई इसने तो बॉल ही बना लिया यार इसको और फेंक फेंक के मार रहा है। चलो अभी ना एक काम करते हैं अपनी बॉल्स बन चुकी हैं, कितनी बॉल्स होगी अपने पे यहाँ पे 14 बॉल्स अपने पास बन चुकी है। अब चलो यार भाई मेरे से वेट नहीं हो रहा, जल्दी से चल के पॉकीमॉन पकड़ते हैं। ये कौन है भाई? एक सेकंड भाई इस गेम में ना यहाँ पे मर्चेंट भी आता है भाई, ये तो बिल्कुल माइनक्राफ्ट वाली सीन है भाई, वहाँ पर भी आता है और यहाँ पर भी है। रुको यार ये क्या देता है हमको भाई? इससे ना हम यहाँ पे सामान वगैरह बाय और सेल कर सकते हैं, बट अभी अपने पास कुछ नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ से जाना होगा।
चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, बाकी छोटे मोटे पॉकीमॉन्स को मैं नहीं पकड़ने वाला हूँ अभी ना भाई, सीधा बड़े पॉकीमॉन पे हाथ मारते हैं। वेट, और भाई बड़े पॉकीमॉन का नाम लिया और मेरे सामने यहाँ पे पॉकीमॉन आ चुका है। एक सेकंड, अबे मैं उस अपने चेयरकोट को लाना भूल गया यार, उसको ले लेता हूँ, कुछ तो हेल्प करेगा भाई। अपनी आ रहा हूँ मैं, तू वहीं रुका रही हो ठीक है यार। चलो मैंने इसको तो ले लिया यहाँ पे, अभी निकलते हैं भाई अपने चेयरकोट को लेके फटाफट से। और अबे एक सेकंड भाई 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 रुको 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 भाई, मुझे यहाँ पे खाना खाना और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। देखो ये जो रेड बेरीज है ना, हम यहाँ पे इनको इजीली खा सकते हैं। चलो अपनी पेट पूजा तो हो चुकी है, अभी फटाफट से निकलते हैं उसको पकड़ने के लिए। भाई वो कहाँ चला गया, वेट पूरा भाई, फटाफट से ना भागते हैं इससे पहले कि यहाँ से निकल जाए। और इसका भाई ये लेवल देख रहे हो उसका, यहाँ पे 14 लेवल है इसका, मुझे नहीं पता मैं इसको मार पाऊंगा या फिर नहीं। चलो देखते हैं भाई जो भी होगा। एक काम करता हूँ, अपने ना लैम बॉल को यहाँ पे निकालता हूँ और जस्ट मुझे ना भाई इसको यहाँ पे कमांड देनी है अटैक की, और उसके बाद ये यहाँ पे अटैक करने के लिए निकल जाएगा। फिर इसके यहाँ अभी तक इसने अटैक, वेट आई थिंक मुझे ना इसको ट्रिगर करना पड़ेगा। रुको यार गाइस लेट्स गो, मैंने यहाँ पे एक्सबो लगा लिया और जस्ट ना मुझे इसको ट्रिगर करना है। और एक सेकंड भाई मार, मारेगा ना, लेट्स गो भाई। फाइट यहाँ पे शुरू हो गई, नहीं खत्म हो गई क्या, नहीं भाई शुरू हुई है। चलो अभी ना इसको मैं भी यहाँ से डैमेज देता हूँ। फैंस यहाँ अपना पॉकीमॉन तो फुल लड़ रहा है और मैं ना इसके हेड पे भाई ट्राई करता हूँ मारने का। भाई ये तो लो कर रहा है यहाँ पे, एक सेकंड रुको, मुझे ना यहाँ पे क्राउच करना होगा जिससे मैं ऐसे बच सकता हूँ इससे इजीली। और एक सेकंड भाई नहीं पकड़ पाएगा भाई तो मुझे। फैंस क्या ये कौन सा अटैक, मेरा पॉकीमॉन ओए कहाँ गया, अबे ओए भाई मर गया। अबे भैंस क्या, नहीं नहीं भाई मेरे सॉरी यार, गलती हो गई मेरे से भाई, उसकी तो हेल्थ भी, अबे सॉरी मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से। भाई मैंने क्यों पंगा ले लिया, मेरी एचपी देखो 75 भाई, भाग यहाँ से। अबे ये लैंप बॉल तो किसी काम का नहीं है भाई, मैं क्या सोच के गया था और क्या हो क्या रहा है भाई यहाँ से। मुझे लगा ओ भैंस की आंख भाई वो आ रहा है अपने पीछे, जल्दी भाग यहाँ से निकल, ऊपर चढ़ ऊपर चढ़। और भाई अब तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, आई थिंक ये यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ओ भाई ये तो यहाँ भी आ रहा है, क्या सीन चल रहा है भाई ये। और मेरा पॉकीमॉन भाई ये क्या करा इसने लैंप बॉल ने, जाते पिटिया भाई नाक कटवा दिया यार इसने तो। भाई मेरी ना यहाँ पे एचपी भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जो कि धीरे धीरे अभी यहाँ पे हील भी हो रही है। भाई यार इससे काम नहीं बनेगा, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि छोटे मोटे पॉकीमॉन्स ही पकड़ने होंगे अभी, तभी यहाँ पे कुछ बात बनने वाली है। सबसे पहले ना देखो अपनी हेल्थ तो अभी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। हम ना भाई इस पाल बॉक्स से देखो यहाँ पे हम अपने पॉकीमॉन्स को रख ही सकते हैं, साथ साथ ना भाई अपना बेस भी अपग्रेड कर सकते हैं। और अपना बेस अपग्रेड होगा ना तो भाई अपने पॉकीमॉन्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, बड़े बड़े पॉकीमॉन्स हम स्टोर कर सकते हैं। चलो यार अभी ना एक काम करते हैं, बेस को अपग्रेड करते हैं। देखो उसको अपग्रेड करने के लिए ना हमें यहाँ पे एक वुडन चेस्ट बनानी है और एक वर्किंग पाल को बेस पे रखना है। सबसे पहले भाई वुडन चेस्ट को यहाँ पे बना लेते हैं, कहाँ पे मिलेगी अपने को ये, वेट अपने को चेस्ट मिल चुकी है और इसके लिए यहाँ पे हमें वुड चाहिए होगा। भाई मैं तो वुड तोड़ते तोड़ते मेरी जिंदगी निकल जाएगी, समझ नहीं आ रहा भाई कितना वुड तोड़ना है। चलो यार मैं वुड वगैरह स्टोन इकट्ठा करता हूँ और फिर मिलता हूँ। ओके चलो भाई मैंने वुड को बना लिया है, अभी जल्दी से यहाँ पे चेस्ट को भी लगा देते हैं, ये ना अपने काफी काम आने वाली है। अपने को ना जो भी सारा सामान वगैरह होगा जल्दी से यहाँ पे स्टोर कर देंगे, उसको बाहर निकालो भाई काम करे। वेट भाई ये आई थिंक डैमेज हो चुका है, वेट मुझे ना भाई इसको यहाँ पे रखना होगा, अभी अगले 6 मिनट तक यहाँ पे रह के हील होगा। भाई तू अंदर ही रहे, वैसे भी तू किसी काम का नहीं है भाई, नाक कटवा दी यार मेरी। मैं भाई वहाँ पे चौड़ में जा रहा हूँ, मारूंगा पकड़ लूंगा भाई, भागते भागते आ रहा हूँ मैं वहाँ से पिटपट आके। चलो कोई बात नहीं भाई, शुरुआत है अभी, आगे आगे देखना भाई, बहुत कुछ करने वाला है यहाँ पे हम। ओके हमने वुडन चेस्ट बना दिया और अभी एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं बेस पे और शायद हम अभी यहाँ पे अपग्रेड कर सकते होंगे। लेट्स गो, यहाँ पे हमने लेवल 2 कर लिया अपने बेस का और लेवल 3 भी हम यहाँ पे बहुत कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एक शॉर्टी बेड बनाना है जो कि इस पॉकीमॉन का बेड होगा, वैसे भी ये सोते ही रहता है। लो भाई अभी भी ये फैला पड़ा है यहाँ पे। एक काम करता हूँ, अपना लेवल तो हो चुका है ना, इसको वापस यहीं पे हीलिंग के लिए छोड़ देता हूँ। चलो इतना हील होना ना, देखो यहाँ पर ना हम अपने स्टैट पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। देखो अभी मेरा जो प्लेयर है ना उसकी एचपी मैक्स 500 जा सकती है, स्टेमिना जा सकता है, स्टेमिना 100 है, अटैक भी 100 है। देखो स्टेमिना वो होता है, देखो मैं भाग रहा हूँ ना यहाँ पे अपना स्टेमिना खत्म होता है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना जो अभी फिलहाल के लिए अपने मेन है स्टेमिना ही है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा इनहेंस कर लेते हैं। चलो मैं ना इसको यहाँ पे 2 पॉइंट से इंक्रीज करने वाला हूँ। लेट्स गो, स्टेमिना को हमने इंक्रीज कर लिया है। अभी ना जो मेरा मेन गोल रहेगा वो रहेगा एचपी, स्टेमिना और अटैक, ये 3 चीजें मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा। चलो ये तो हो चुका है, अब एक काम करते हैं फटाफट से ना यहाँ पे छोटे पॉकीमॉन्स पकड़ लेते हैं, इतना वो वहाँ पे हील हो रहा है। इसको थोड़ा सा नहीं, ये नहीं पकड़ रहा भाई, मैं अब ये नहीं पकड़ रहा भाई सॉरी, तो एक काम कर अपना घूम मजे में, इसको पकड़ते हैं। अब ये भी तो ट्राई करें, यहाँ पे कैटिवा है, इसको यहाँ पे पकड़ने का ट्राई करते हैं। और ये निकाली मैंने पॉकी बॉल और लेट्स गो, यहाँ पे हमने इसको भी कैप्चर कर लिया है। और इसको भी आ भाई, तू क्या घूम रहा है यहाँ पे चिकी पिकी, तू भी आजा फटाफट से। और लेट्स गो, इसको मैंने यहाँ पे कैप्चर रेट अपना 86 है, इंक्रीज हो जा भाई। लेट्स गो, ये भी यहाँ पे कैप्चर हो चुका है 100 भाई, अब हुआ यहाँ पे 100। चलो ओए ओए क्यों मार रहा है, रुको रुको अभी बताते हैं तुम्हें। अब तो मेरे पास पॉकीमॉन्स है भाई, ये यहाँ पे कैटिवा जाके फाइट करे इसे। ओ भाई ये भी आ रहा है, इसका रिश्तेदार भी साथ में आ गया, आजा कैसे छेड़ा
पकड़ा तूने मेरे भाई को, आ जा भाई तू भी आ जा, तेरे तो मैं अकेला पेल दूंगा, तू किसी काम का नहीं है भाई यहाँ पे। भाई देख रहे हो फुटबॉल बना घूम रहा, चक्कर आ गए भाई इस बंदे को। ओए एक और आ गया भाई, एक एक करके आओ यार, दोनों साथ साथ आ रहे हो तुम तो। कैटीवा भी यहाँ पे, एक काम करता हूँ इसको भी पकड़ लेता हूँ, इसको भी पकड़ लेता हूँ, दोनों में से दोनों कैप्चर होंगे या फिर नहीं। अबे एक तो निकल गया भाई यहाँ पे बाहर, और एक यहाँ पे हो जाए तेरी ऐसी की तैसी भाई, फुटबॉल बना घूम रहा है यहाँ पे। अब निकल, रुको मुझे ना थोड़ा सा और लो करना पड़ेगा। हाँ इनफ, अब हो जाएगा इजीली कैप्चर, लेट्स गो भाई। अभी ना ये भी कैप्चर हो चुका है, अब ये काम करते हैं अपने बेस पे चलते हैं और आपको पाल बेस में जाके दिखाता हूँ। देखो फिलहाल अपने पास यहाँ पे चार पॉकीमॉन्स हो चुके हैं जिनसे हम यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। अभी चलते हैं भाई थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए। यहाँ पे चिक पिक भी है फटाफट से, इसको मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। तू भी आ भाई फटाफट से अंदर, तू यूं क्या घूम रही है मजे में यहाँ पे। चलो ये भी आई थिंक यहाँ पर 90, अबे बढ़ जा। ओके 100 हो चुका है, ये भी यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है भाई। छोटे मोटे नहीं पकड़ने, और वेट जो मेरा टेक्नोलॉजी लेवल है ना भाई वो यहाँ पे लेवल 5 हो चुका है, और अभी मेरी कुछ नई नई चीजें यहाँ पे खुली है। देखो जितना हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अनलॉक करेंगे ना उतनी हमारी नई नई चीजें यहाँ पे खुलने वाली है। अभी मैं पे क्लोथ्स भी बना सकता हूँ, एक सेकंड रुको भाई, क्लोथ्स को अनलॉक करते हैं। सबसे पहले क्लोथ्स ही पहनते हैं क्योंकि भाई फिर रात होगी अपने को ठंड लगने वाली है। एक काम करते हैं यहाँ से आई थिंक हम क्लोथ्स को बना सकते हैं ना, इसके लिए हमें यहाँ पे क्लोथ्स चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जो ये शिप टाइप घूम रही है ना इससे वूल वगैरह मिलेगा और फिर हम क्लोथ्स बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं उसको ढूंढते हैं और फटाफट से मारते हैं, आई थिंक मुझे दिख भी चुका है भाई सामने। चलो भाई अब तेरा टाइम आ चुका है मरने के लिए, इसको हम पकड़ेंगे नहीं, इसको जब यहाँ पे नाम मारने वाले। और भाई देख रहे हो कैटी वाइज को कह रही है भाग जा तेरी मौत आ रही है पीछे। हाँ भाई लंबॉल कैसे हो तुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और ये बात करनी है, निकल भाई यहाँ से जल्दी से, मुझे वूल दे दे, उसके बाद भाई कपड़े पहनने हैं मुझे यहाँ पे। चलो इसको मैंने मार दिया और मुझे यहाँ पे वूल भी मिल चुका है, एक ही मिला है भाई, एक और चाहिए मेरे को। इसके रिश्तेदार को भी साथ में लपेट लेते हैं, कहाँ भाग रहा है, रुक जा। चलो अबे भाई एक तो फुटबॉल जो बन जा भाई, आपस में ठुक गए भाई, कितने फनी से है भाई ये दोनों, आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया यहाँ फटाफट से। भाई मुझे मार रहा है ये तो, डैमेज दे रहा है, रुको मुझे खाना भी खाना होगा। और वेट अपने यहाँ पे वूल मिल चुका है, चलो अभी चलते हैं फटाफट से वर्क बेंच पर भाई, अपने क्लोथ बनाते हैं जल्दी से। चलो भाई मैंने यहाँ पे अपना क्लोथ बना लिया, फटाफट से इसको पहन लेते हैं। और भाई साहब क्या मस्त लग रहा है ना अभी अपना प्लेयर। अभी ना एक काम करते हैं, देखो मुझे ना पे मिशंस दिखा रहा है कि अपने को 5 लंबॉल्स कैप्चर करने हैं जिसमें से मैंने 3 ऑलरेडी कर लिए हैं, और यहाँ पर अपने को 30 पाल्स इकट्ठे करने हैं। भाई मेरे पास इतने पाल्स बॉल भी है नहीं भाई, 7 पाल बॉल्स है, तो जल्दी से यहाँ पे पाल्स पेयर भी बना लेते हैं और भाई फिर निकलते हैं यहाँ पे 30 पाल को कैप्चर करने के लिए। वैसे यार मैंने अभी एक चीज नोटिस किया भाई, कुछ ही देर में ना रात होने वाली है, तो भाई इस बार मुझे नहीं रहना भाई रात में पूरे ठंड में बाहर। अभी ना एक काम करते हैं अपना घर बना लेते हैं छोटा सा, और बेड भी लगा लेंगे। एक सेकंड रुको, आई थिंक ना हमें यहाँ पे सबसे पहले नीचे स्ट्रक्चर लगाना होगा जिसपे अपना घर का बेस बनेगा। अभी देखो मैं ना ज्यादा कुछ खास नहीं बनाने वाला हूँ, बाद में प्रॉपर बढ़िया सा बनाएंगे, अभी छोटा सा ऐसे ही बना लेते हैं। और एक सेकंड, अपना जो घर का बेस है ना वो यहाँ पे प्रॉपरली रेडी हो चुका है, एक टाइल हमें जस्ट यहाँ पे लगानी है। लेट्स गो भाई, यहाँ पे अब फटाफट से एक गेट वाला, ये रहा गेट को हम लगा देते हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पे हम फ्लोर्स वगैरह भी लगा सकते हैं क्या, फैंस क्या, रुको रुको भाई फ्लोर्स का बना सकते हैं भाई हम यहाँ पे घर, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। अभी मैं जस्ट सिंपल सा बना देता हूँ, एक सेकंड रुको, यहाँ पे एक विंडो मैंने लगा दिया और इसको ना जस्ट चारों तरफ से जल्दी से कवर कर देते हैं क्योंकि अपने को ना भाई रूफ लगानी है, रूफ लगने के बाद यहाँ पे बेड लगेगा। चलो भाई अभी ना अपना घर यहाँ पे बन चुका है, बस लास्ट यहाँ पे एक रूफ बची है। लो भाई यहाँ पे ना छोटा सा घर बनाया, अभी काम चला हुआ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चल जाए भाई काम, वही काफी है। और एक सेकंड रुको, लगे भाई यहाँ पे फटाफट से एक बेड भी लगा देता हूँ, ऐसे रोटेट करते हैं और सेंटर में लगाते हैं भाई, फुल शाही सा तो नहीं है बट हाँ ठीक है भाई जैसा भी, अभी अभी के लिए तो काफी ज्यादा ठीक है। चलो भाई सही टाइम पे बन गया भाई, बाहर भी रात होने वाली है, होने वाली क्या भाई हो चुकी है मुझे लग रहा है यहाँ पे। चलो अपना बेड भी आई थिंक यहाँ पर बनने वाला है जस्ट, और लेट्स गो भाई अपना बेड बन चुका है। अभी एक काम करते हैं भाई, बाहर तो रात हो गई है, एक काम करते हैं भाई जल्दी से सो जाते हैं और भाई फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। ओके यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और भाई इसीलिए अपनी रात बहुत ही बढ़िया गई है भाई, इस बार नो ठंड कुछ नहीं लगी और गेट बंद कर दिया भाई मैंने अपने महल का। देखो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा भाई, अभी के लिए यही काफी है, बाद में बना देंगे भाई बहुत बड़ा सा बनाऊंगा, जैसे मैंने कार फॉर सेल में बनाया था ना वैसे ही मैं यहाँ पे बिल्ड करूंगा। देखो गाइस अभी ना मैं इस गेम में पूरी तरीके से न्यू हूँ तो मुझे यार कुछ ज्यादा पता नहीं है, बाकी हाँ अगर आप लोग जो भी इस गेम के बारे में जानते हो ना आइडियाज वगैरह भाई मुझे दो, कमेंट सेक्शन में पढ़ने वाला हूँ और साथ ही साथ शाउट आउट भी दूंगा आप लोगों को, और उसके साथ जो जो आप लोग कहोगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। चलो भाई अभी ना मैं यहाँ पे फुल रेडी हूँ भाई युद्ध करने के लिए। देखो अपने पास ना यहाँ पे 69 पाल्स है और भाई आरोज भी बहुत सारी है, मतलब समझ रहे हो ना मैं कितना ज्यादा तैयार हूँ अभी। बाकी एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे ना जाते जाते ना अपने जो पाल्स है ना भाई उनके लिए एक बेड बना जाते हैं। यार रुको पहले ना मुझे टेक्नोलॉजी में जाना होगा भाई, देखो ये गेम ना बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें ना बस ये टेक्नोलॉजी को अनलॉक करना है। और
इससे आगे स्टोरी कंटिन्यू होती रहेगी। देखो यहाँ से ना अभी एक काम करता हूँ, ये इनका बेड है जो कि हमें यहाँ से अनलॉक करना है। मेरे पास टेक्नोलॉजी पॉइंट 22 है भाई, मैं बहुत कुछ अनलॉक कर सकता हूँ, बट यार मैं ना जो जो जरूरी चीजें अभी फिलहाल के लिए वही यहाँ अनलॉक करेंगे हम। चलो यहाँ पे ना मैं इनका बेड लगा देता हूँ। देखो अभी ना मैं ऐसे जस्ट कहीं भी लगा रहा हूँ, बाद में इनको फुल एकदम अरेंज करेंगे। ओके मैंने ना यहाँ पे इसका बेड लगा दिया, अभी कुछ ही देर में लग जाएगा। भाई पता है ये मेरी हेल्प क्यों नहीं करवा रहा है? अभी ना इसको काफी ज्यादा भूख लग रही है भाई, इसको खाना भी दूंगा यार। रुको मेरे पास खाना पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ पे अकेले काम करना पड़ रहा है भाई। इनके ना नाटक भी बहुत है यार, अगर ये सोए नहीं है, इनको नींद आ रही है तो भी ये काम नहीं करेंगे, इनको भूख लग रही है तो भी ये काम नहीं करेंगे। ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, इनका बेड बन चुका है, अभी कुछ देर में जाके सो जाएगा। इतना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना इसको ही थोड़ा बहुत खाना खिला देता हूँ। कहाँ पे है ये वाला? ये रहा भाई लो, इनका ना मैंने पेट यहाँ पे फुल कर दिया है। बाकी एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, देखो जो पाल बॉक्स है ना ये अपना टीपी के भी काम आने वाला है, ये दिखाता हूँ मैं। देखो ये है भाई इस गेम का मैप, और अभी ना ये पूरा खुला हुआ नहीं है भाई, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मैप है। तो देखो इनमें ना आइलैंड्स है, और हर आइलैंड पे बॉस होते हैं, हमको उनको डिफीट करना है और आगे बढ़ते जाना है, और जो यहाँ का बॉस है ना उसको हरा के यहाँ से हम जा पाएंगे। चलो अभी एक काम करता हूँ, अपने बेस को भी भाई, ये सबसे मेन चीज है, हम अपने बेस को ना अपग्रेड करते हुए चलेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखो अभी ना इसको भी करते चलते हैं, अपने को 3 beds लगाना है, तो एक काम करता हूँ यार इनके लिए 3 beds लगा देता हूँ अपना। ये भी यहाँ पे अपना जो लेवल है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बाकी यार मैं इनको पॉकीमॉन्स बोल रहा हूँ, वैसे ये पाल से तो समझ जाना भाई, ठीक है आदत पड़ गई भाई इनको पॉकीमॉन बोलने की, और वो ही ज्यादा बढ़िया लगता है मेरे हिसाब से। तो रुको भाई लगे हाथ यहाँ पे फीड बॉक्स को भी अनलॉक कर लेते हैं टेक्नोलॉजीज में। भाई फीड बॉक्स ना मेनली इनका खाना है जो कि एक ने पाल्स खाया करेंगे। इसको निकालते हैं यहाँ से, ये रहा फीड बॉक्स, इसको लगा देते हैं। और थोड़ा ज्यादा घिसपिच हो गया बट कोई बात नहीं, यहाँ ठीक रहेगा। आज भाई मदद करो जल्दी से दोनों के दोनों, भाई अभी तो दोनों आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। इसको खाना दे दिया ना, अब ये फुल हेल्प कर रहा है यहाँ पे अपना। ओके चलो भाई ये भी लग चुका है, अब चलते हैं भाई अपग्रेड करने के लिए। अपना जो अपना बेस है वो लेवल 4 का यहाँ पे हो जाएगा, लेट्स गो भाई। लेवल 4 का अपना बेस हो चुका है, तो चलो अभी मेरे पॉकीमॉन्स भी यहाँ पे रेडी है भाई, सबके लेवल 7 हो चुके हैं। अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ओए तू काम मत कर, आजा फटाफट से भाई, यहाँ काम करने में लगा हुआ, हमें फाइट करने जाना है। इनको मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी ना और दूर जाएंगे और वहां जाके बेस को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं भाई, इस वर्ल्ड को। एक सेकंड रुको भाई, इसको पकड़ते हैं भाई फटाफट से, इसके बाद चलता हूँ। इसका नाम है फॉक्स पार्क। ओके यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, अपने किसी पॉकीमॉन को यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ, इसी को छोड़ता हूँ यहाँ पे। ऑल राइट चलो मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है, और इसको ना मैं यहाँ से थोड़ा सा डैमेज भी देने वाला हूँ। ओके यहाँ पे डैमेज दे रहा हूँ मैं, इसको हेल्प कर रहा हूँ भाई अपने पाल की ना। भाई क्या मारेगा क्या? तो रुक जाती है, अभी बताते हैं। ऊपर आ सके, बस 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 काफी अंदर आ जा, वापस आ जा। अब ना मैं इसको यहाँ पे कैप्चर करने वाला हूँ, और लेट्स गो। मैंने बॉल फेंक दी अपने यहाँ पे, बस कैप्चर हो जाए यार। होपफुली 71% 87 लेट्स गो हो जा, लेट्स गो भाई। यहाँ पे हमने एक फॉक्स पार्क नाम के जो पाल है उसको कैप्चर कर लिया है। अब ये काम करता हूँ, लगे आता भाई इसको लेके आ जाता हूँ। ये जितने भी हम कैप्चर करते हैं ना वो डायरेक्टली चले जाते हैं अपने पाल बॉक्स में, तो हमको ना उसको वहां से जाके लेना पड़ेगा। भाई जितने बढ़िया पॉकीमोन होंगे उतना सही रहेगा यार अपने लिए, उतना ये लोग हेल्प कर पाएंगे अपनी फाइट में। तो एक काम करता हूँ फटाफट से उसको ले लेता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो गाइस अभी ना जो फायर फॉक्स था उसको मैंने निकाल लिया भाई, ये देखो क्या मस्त लग रहा है ना भाई ये। और अबे जा कह रहा है इधर ही आ जा। चलो भाई इससे नाम फाइट लेने वाले, एक सेकेंड भाई वहां पर एक अजीब सा पॉकीमॉन है भाई, ये कौन सा यार? और एक सेकेंड भाई इनका नाम डेड ड्रीम है, और ये भैंस की आंख भाई कैसे जेली टाइप से है यार, क्या मस्त लग रहा है। रुक रुको भाई अभी मैं ये सोच रहा हूँ इनसे देखो ये 5 level के आराम से हरा तो सकता है अपना पॉकीमॉन, बट अगर ऐसा ना हो मैं एक पे फायर कर रहा हूँ भाई ये तीनों आ जाए। और कोई नहीं है क्या? रुको आसपास मैं और ढूंढता हूँ। एक काम करता हूँ इधर बुलाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये यहाँ आ जाए ना भाई ठीक रहेगा? नहीं यार मुझे ना वहीं जाके फाइट लेनी पड़ेगी। रुको चलो यार देखा जाएगा, जो भी होता है अपने पॉकीमॉन को निकालते हैं। और मैंने ना इसको अटैक का कमांड दे दिया है, और अरे भैंस की आंख भाई से तो फायर करने पर स्टार्ट कर दिया है। एक सेकंड रुको भाई साहब, रुको भाई मैं भी ना अपने पॉकीमॉन की यहाँ पे हेल्प करता हूँ फटाफट से, मैं भी निकालता हूँ। अबे आ जा यार एक्सबो हाथ में। चलो अब मैं भी इसको यहाँ पे वेट भाई आई थिंक कैप्चर हो जाएगा इस बार ये प्यास क्या आई थिंक हो गया 90% 95 96 भाई लेट्स गो, हमने कुछ अजीब सा पकड़ा है भाई, डे ड्रीम इसका नाम है। और भाई तो बहुत सारे, एक सेकेंड भाई अपने बेस पे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ये। एक और यहाँ पे आउल टाइप का, रुको भाई मैं इसको भी यहीं पे पकड़ने वाला हूँ, वापस से मैं भी इसी को निकालने वाला हूँ। और यहाँ पे इसको भी अग्रेसिव कमांड देते हैं, और मैं इसको यहाँ पे लो करूंगा खुद ही। रुको भाई अपने पॉकीमॉन की ना हेल्प करता हूँ, और बस 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 अबे काफी है भाई यार, यही तो दिक्कत होती है, मार दिया यार इसने, इसको पकड़ना चाह रहा था मैं। और एक काम करते हैं, रुको एक और है भाई यहाँ पे, इस बार मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। हाँ अब मैं ना इसको पहले ही बुला लूंगा थोड़ा सा ना। रुको यार भाई अपने और भी पॉकीमॉन्स आके आई थिंक फाइट कर रहा है। एक सेकंड रुको अपना पॉकीमॉन, बस काफी बाहर आ जाओ अब इसको। भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे, कोई भी किसी को भी आके पेल रहा है। मैंने यहाँ पे दूसरा पकड़ने का ट्राई करा है, और एक सेकेंड
भाई मैंने पकड़ना कोई और चाहा था बट यहाँ पे कोई और ही आ गया। भाई ये मेरे पोकेमॉन्स थे क्या यार? ये आउलम नहीं पकड़ पाए बट कोई दिक्कत नहीं, हमने ये दो पकड़ लिया। भाई मुझे नहीं पता यहाँ पे ना अभी बहुत तकड़ी भीड़ हुई है और पता नहीं क्या क्या हो गया। रुको अभी ना पहल बॉक्स में चल के देखते हैं, वहां से हम निकालेंगे इसको। भाई ये रही है, भाई दो आ गए अपने पास ये लोग। देखो इसको बाहर मैंने निकाल दिया है। भाई जेलीफिश ही है यार, और जितने भी हम यहाँ पे पाल छोड़ते हैं ना अपने, वो यहाँ पे सब काम करते हैं। भाई इसको देखो, बेचारे को यहाँ पे लकड़ियां ला ला के रख रहा है भाई चेस्ट में। और वो कहाँ निकल गया भाई? रुको ये भी कुछ लेके आ रहा है यहाँ पे। भाई ये भी ठीक है यार, ये भी यहाँ पे लकड़ियां लेके आ रहा है। अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, ये अपना लेके आते रहेंगे। और इसको देखो भाई डांस करती घूम रही है, कुछ काम कर ले तू भी यहाँ पे। यहाँ से ना बढ़िया बढ़िया से पाल्स निकालता है और फिर दूर चलेंगे भाई कोई फाइट करने के लिए। एक मैं इसको रख लेता हूँ और यहाँ पे मैंने तीनों लगा ही दिए बढ़िया बढ़िया से। चलो गाइस अभी ना एक काम करते हैं, कहीं दूर चलते हैं और वहां चल के देखेंगे। बाकी मैं इनको भी तोड़ लेता हूँ भाई, खाने की भूख लगेगी यार। मुझे ना अभी नए से पोकेमॉन्स तो दिख नहीं रहे, मैं काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ। अभी देखो मेरा बेस जो है भाई वो ऊपर है और मैं यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ। ये कौन सा है भाई यहाँ पे? वेट भाई इसको मारो गोली, पीछे देखो क्या है। भाई साहब यहाँ पे डियर्स है जो की काफी ज्यादा कूल लग रहा है। रुको भाई इनके पास चलते हैं, ये कौन से लेवल के, इनको मैं पकड़ सकता हूँ क्या? यहाँ पर भी है भाई, तो दूर भाग रहा है यार। रुको इनके पास जाके देखता हूँ कौन से लेवल के भाई, इनका नाम नहीं दिख रहा है मुझे। भाई ये लेवल 10 के और ये तो वैसे ऑलरेडी अपने से दूर भाग रहे हैं। और ट्राई करूँ क्या इसको ट्रिगर करने का? एक सेकंड रुको, अपनी ना एक्सबो निकालते हैं। और एक सेकंड मैं ना, भाई नहीं यार ज्यादा दूर जा चुका है, मुझे लगता है भाई ये आएंगे पास, ये तो तुरंत दूर भाग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ भाई इसके पास जाने का, इसको ट्रिगर करता हूँ बस एक बार, इसको गोली मार। ओ भाई वो क्या है अब? भाई साहब यहाँ पर मेमोरेस नाम का एक प्यास की आंख ये पाल है और इसके ऊपर लिखा है द किंग ऑफ फॉरेस्ट। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है भाई। अभी मैं कह रहा था कोई पाल नहीं मिल रहा है और अब मिल रहा है, तो भाई लाइन लग के आ रही है। और एक बार इसका साइज देखो यार, मुझे ना ऐसा लग रहा है जिस आइलैंड पे हम अभी फिलहाल है ना, यहाँ का यही राजा है, तो लास्ट में हमको इसी को डिफीट करना होगा। भाई अभी तो भैंस के जरा भी पास नहीं आऊंगा भाई, अभी इसको देख के डर लग रहा है मुझे। भैंस की आंख भाई साइज देखो देखो, जब तक मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा ना, ये भी मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं कहने वाला है। बट अगर मैंने एक बार फायर कर दिया ना भाई अपनी बैंड बजा देगा। रुको यहाँ पे डियर को पकड़ने का ट्राई करता हूँ भाई कुछ भी करके ना। वेट हो गया शायद ट्रिगर, अभी निकालता है। अबे हट जा तू यहाँ से, अभी ना मैं अपना काम करता हूँ गाइस। ट्रिगर मैंने कर दिया है, अपने पॉकीमॉन को यहाँ पे निकालता हूँ। भाई ये तो फुल फायर कर रहा है। भाई मैंने सब पंगे तो ले लिए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है वापस बुलाओ फैंस की आंख। भाई ये तो बहुत गंदा डैमेज दे रहा है। रुको यार मुझे ना छुप के खेलना होगा, यहाँ पे चलता हूँ। और एक सेकेंड भाई ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा मार रहा है, मुझे ना यहाँ पे छुप छुप के खेलना होगा, इसको लो करना पड़ेगा। रुको यार इसको पकड़ना आसान नहीं है, मैंने सिर्फ पंगे तो यहाँ पे ले लिया। भाई ओए पीछे मेमोरेस ना हो जाए ट्रिगर, अगर वो हो गया ना वो अपनी बैंड बजा देगा अच्छे से करके। देखो इसको मैं देता हूँ वापस से अटैक करने का। कहाँ गया और वो? ओए ऊपर चढ़ गया। रुको भाई इसको अब ट्राई करता हूँ मैं पकड़ने का। नहीं भाई अभी कुछ फायदा नहीं है, इसको मैं अभी नहीं पकड़ सकता हूँ। भाई साहब रुक जा, कहाँ जा रहा है? रुको गाइस शिट क्या, एक सेकंड भाई मेमोरेस तो ट्रिगर नहीं हुआ ना? नहीं नहीं भाई मेमोरेस ट्रिगर हो गया शायद यहाँ पे। रुको 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 भाई निकलना होगा, मैं गया भाई, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा यहाँ से। भाई यहाँ से भागो, काम खराब हो चुका है बहुत ज्यादा। रुको 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 अबे चल जल्दी चल तेज चल। गया गाइस मैं, गया भाई मैं। अबे यार अच्छा खासा मैं ड्रियर को पकड़ने वाला था, पता नहीं है मेमोरीज का बच्चा कहाँ से तो आ गया। भाई साहब यार चलो अभी क्या ही कर सकते हैं। बाकी देखो जहाँ पे मैं लास्ट मरा था ना वहीं पे मुझे मेरी लूट मिल जाएगी और वहाँ पे ना एक बड़ा सा साइन वो रहा, वो आपको लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, हमें वहाँ पे जाना है वापस, हमको अपनी सारी लूट मिल जाएगी। यार अच्छा खासा ना हम डियर को पकड़ लेते, पता नहीं यार ये मेमोरीज कहाँ से आगे टपक गया। चलो मैं वापस अपनी लूट पे आ चुका हूँ, वापस यहाँ से हम सबको वापस बुला लेंगे। भाई यार अपना जो फॉक्स पार्क था ना भाई वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है और उससे हम अभी फाइट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। भाई साहब यहाँ पे अजीब अजीब से पॉकीमॉन्स आ रहे हैं। देखो भाई मैंने ना अभी ऐसे ये तो सीख लिया है कि हमें ना थोड़ा डिस्टेंस से फाइट लेनी है भाई, अगर ज्यादा क्लोज जाऊंगा ना तो वो इजीली अपने को डाउन कर देंगे। वो रहा भाई सामने मेमोरीज, इससे तो मैं फिलहाल अभी दूर ही रहने वाला हूँ। भाई इसका देख लिया हमने क्या हाल करा है भाई इसने अपना। अच्छा खासा हम डियर को पकड़ लेते अगर ये बीच में ना आता। चलो अभी क्या ही कर सकते हैं। बाकी देखो ये वो चीज है जिससे हम इजीली टेलीपोर्ट कर सकते हैं। देखो जहाँ से मैं आया हूँ ना अपने पाल बॉक्स पे, मैं यहाँ से इजीली टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, तो इससे ना भाई अपना काफी ज्यादा टाइम बच जाता है, इजीली हम टेलीपोर्ट कर लेते हैं। अब ये काम करता हूँ आगे चल के देखते हैं भाई वहाँ पे क्या सीन है। और एक सेकंड भाई मुझे वहाँ पे ना कासल दिखाई दे रहा है फैंस की आंख, यहाँ पे कुछ मिलने वाला है क्या अपने को? चलो भाई गौरव वहाँ चल के देखते हैं। बाकी अपने को 30 पाल पकड़ने, अपने ऑलरेडी 11 पकड़ लिया हमने। भाई यहाँ पे भी एक आदमी बैठा है, अपने उससे बात वगैरह तो करनी नहीं है। अभी ना एक काम करता हूँ भाई, जो यहाँ पे घूम रहे ना इन्हीं को पकड़ने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। रुको इसके जैसे ही सेम यहाँ पे निकालता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक था, और इसको देता हूँ भाई यहाँ पे अग्रेसिव का, इसको ट्रिगर करता है इस वाले को। लेट्स गो
इसको मैंने यहाँ पे ट्रिगर कर दिया है और इसको थोड़ा सा जस्ट हमको डाउन करना है, बाकी जो अपना पोकेमोन है ना पाल है वो अपनी यहाँ पे हेल्प करेगा। भाई बहुत कम डैमेज जा रहा है भाई इसको तो, और एक सेकेंड भाई ये भी मारेगा ना पक्का। फैंस की आंख, ये भी यहाँ पे अटैक कर रहा है। नहीं 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 भाई, चुपके खेलूंगा इस बार, मैं समझ गया हूँ कि कैसे इनको फाइट करनी है। भाई अगर ओपन नहीं करेंगे ना तो ये इजीली अपने को डाउन कर सकता है। चलो अपने को, हमने ना इसको काफी ज्यादा लो कर दिया है और उसने फायर दी, बच गया मैं बार बार। देखो उसने फायर करी है, अब मैं इसको यहाँ पे पकड़ने का ट्राई करता हूँ। मैंने ना पल्स फायर यहाँ पे फेंक दिया है, 58% चांसेस है, जहां तक मुझे लग रहा है आ जाएगा 88%, 99, 100, लेट्स गो भाई। हमने ना भाई यहाँ पर पूरे 12 पाल्स पकड़ लिया है। अब इसको वापस बुला लेता हूँ अपने वाले को, और यहाँ पर कहीं पे रास्ता जा रहा है, काम करते हैं यार, चलो वहाँ पे चल के देखते हैं। मुझे लग रहा है ना भाई अभी अपने को बहुत मस्त मस्त पाल्स देखने वाले हैं। चलो भाई मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ, और एक सेकेंड भाई ये कौन सी जगह, यहाँ पे ना एक बड़ा सा ग्राउंड है और सामने वो क्या है भाई साहब? रुको यार, यहाँ पर ना कुछ अजीब सा टावर टाइप कुछ है। एक काम करते हैं यार, वहाँ चल के देखते हैं। बाकी मुझे ना यहाँ पे एक वार्निंग मिल रही है, जो मेरा आर्मर है वो यहाँ पे फुली डैमेज हो चुका है। चलो गाइस अभी ना मुझे लग रहा है मैं उस टावर के काफी ज्यादा पास आ चुका हूँ। भाई पता नहीं यार, यहाँ जाने से ना थोड़ा डर सा लग रहा है। और एक सेकेंड ये क्या है? अच्छा यहाँ पे एग रखा हुआ है भाई नीचे। और एक सेकेंड भाई ये कौन सा पाल है? भाई यहाँ पे एक नया पाल मिला है, इसको एक मारता हूँ। रुको रुको, ये लेवल 9 का ही है। और एक सेकेंड भाई फटाफट से अपना मैंने यहाँ पे पाल छोड़ दिया है, और भाई वही दिक्कत हो गई, यहाँ पे ना दोनों के दोनों आ चुके हैं और मैंने ना दोनों को ट्रिगर कर दिया है गलती करके। भाई वो लोग ना नीचे गिर गए हैं। भाई यहाँ से ना एक काम करता हूँ, यहाँ से इन पे फायर करता हूँ और लो करता हूँ, उसके बाद शायद हम इनको इजीली पकड़ लेंगे। भाई यार ये तो ऊपर ही आ रहे हैं, रुक जाओ एक बार ना मुझे यहाँ से निकलना होगा, बाकी वो लोग भी भाई अपने पर फुल्ली अटैक कर रहे हैं। रुको अपने ना भाई इसको कमांड देता हूँ अटैक करने का इन लोगों पे। भाई यार पता नहीं दोनों कैसे ट्रिगर हो गया, मैंने तो एक ही ट्रिगर करा था। और अपने ना मैं पाल की यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। एक सेकंड भाई इसको वापस बुलाओ, और आई थिंक भाई नहीं यार उसने मार दिया है इसको, बट कैटीवा से भाई मुझे पूरा भरोसा है, कैटीवा ना यहाँ पे पक्का इसको कुछ ना कुछ बिगाड़ेगी। भाई एक ना यहाँ पे फंस चुका है, इसका फायदा उठाते हैं। भाई आई थिंक ग्लिच हो चुका है। रुको फैंस क्या, मैंने इसको काफी लो कर दिया है। अब मैं कैटीवा को यहाँ पे छोड़ता हूँ, आई थिंक ये अपने कुछ हेल्प कर पाए। इसको कमांड देता हूँ एग्रेसिव अटैक की। और एक सेकंड अभी नहीं, लो हो चुका है शायद, मे भी हम इसको पकड़ ले यहाँ पे। और एक सेकंड भाई इसका दूसरा वाला भी यहाँ पे आ चुका है। नहीं 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 भाई फिर से वही दिक्कत हो रही है, इसको ट्राई करता हूँ भाई पकड़ने का। और एक सेकंड 33% भाई प्लीज आ जाइयो, भाई नहीं आया यार वो। और मैं ना इधर फंस चुका हूँ फिलहाल, भाई मेरे जो पाल्स थे वो भी यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं। एक सेकंड रुको भाई मुझे ना ऐसे थोड़ा सा निकलना होगा। भाई ये दोनों यहाँ पे ट्रिगर हो चुके हैं। रुको मेरे पास ये भी तो है ना भाई, इसको यहाँ पे यूज करता हूँ, देखता हूँ ये क्या करता है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे छुपके खेलना होगा, क्योंकि मेरी पावर ऑलरेडी भाई कुछ ज्यादा ही लो है। उतर जा भाई इससे, उतर जल्दी इसको डाउन करता हूँ यहाँ पे। और नहीं भाई ये वाला लो नहीं है, उधर वाला लो है, उसको पकड़ते हैं एक बार ना, इसको हम इजिली पकड़ सकते हैं। भाई ये वाला ना ऑलरेडी यहाँ पर लो है काफी ज्यादा। रुको अब मैं उसको पकड़ लूंगा फाइनली, आई थिंक वो वाला पकड़ सकते हैं, मैंने बॉल फेंक दिया है। अब देखता हूँ वो कैप्चर होता है क्या। 40%, नाइस भाई हो जा 69, अबे यार वो निकल गया। एक और बॉल उसके सर पे मारता हूँ। भाई प्लीज अब हो जाइए यार, 40% है अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी मैंने यहाँ पे चुप चुप वेट, भाई वो वाला कैप्चर हो चुका है। लेट्स गो भाई, मैं पता नहीं भाई कैसे तो पकड़ा है बहुत मुसीबतों के बाद। फाइनली एक तो यहाँ पे कैप्चर हो चुका है, और दूसरे वाले को मुझे देखना है वो कहाँ पे है। भाई ये रहा ऊपर, तेरी ऐसी की तैसी भाई, वो तो आ गया। अब इसको भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ लो करने का। भाई मैंने उसको निकाल दिया, ये भी यहाँ पे ग्लिच हुआ था। अभी अपने पास कोई जिंदा है क्या? इसको यहाँ पे छोड़ता है भाई, लास्ट अपना पाल है। अगर ये भी मर गया ना तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। भाई ये पोल ना अपने बहुत ज्यादा काम आ रहा है। और एक सेकंड इसको भी हम पकड़ लेंगे गाइस इजीली। मैं बॉल यहाँ पे फेंकता हूँ, और मैंने बॉल फेंक दिया है। भाई प्लीज आ जाइए, 26%, मेरा एक भी पाल आई थिंक अभी जिंदा नहीं है। 58, लेट्स गो, 99, 100, भाई फाइनली। भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बट मैंने दोनों के दोनों कैप्चर कर लिया यार। भाई साहब अब आया ना कोई तगड़ा सा पोकेमोन अपने हाथ में, अभी यहाँ चल के देखते हैं भाई क्या सीन है। बट देखो अभी ना भाई मैं यहाँ पे फाइट वगैरह बिल्कुल नहीं लूंगा। देखो अपने ऑलरेडी भाई सारे पोकेमोन यहाँ पे लगभग मर ही चुके हैं। अभी ना बस मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, और यहाँ से चलते हैं वापस अपने पाल बॉक्स में, और जो हमने पकड़े हैं ना उनको बाहर निकालते हैं भाई, उनको चेक करते हैं। बाकी ये टावर भाई कुछ अजीब सा लग रहा है, इसके पास चलते हैं। और एक सेकंड भाई ये सिंडिकेट टावर है क्या? और वेट भाई यहाँ पर ना मुझे वो मिल चुका है जिससे हम इजीली टेलीपोर्ट कर सकते हैं। रुको भाई इसको भी फाइनली अनलॉक करते हैं यहाँ से, लेट्स गो भाई। अभी ना मैं यहाँ से इजीली टेलीपोर्ट कर लूंगा अपने बेस पे। भाई देखो यार मेरे मन में फिर से लालच आ रहा है इनको पकड़ने का, बट नहीं ये गलती नहीं करूंगा भाई, मुझे पता है ये लोग तो बैंड बजा देंगे अपनी। बाकी भाई कुछ भी कहो यार, ये वाला पोकेमोन ना कुछ ज्यादा ही सुंदर है भाई, देख रहे हो क्या कलरफुल सा। एक सेकंड भाई वहाँ पे सिंडिकेट है क्या? एक सेकंड भाई वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन है। बाकी मैं ना अभी गलत ही जा रहा हूँ, क्योंकि अपने ऑलरेडी सारे पोकेमॉन्स अभी ना फिलहाल मर चुके हैं, मतलब पावर लो हो चुके हैं लोगों की। और एक सेकंड यहाँ पे कैटीवा काफी लो है, इसको पकड़ लेता है अगर मैं पकड़ पाऊँ तो। मैंने बॉल तो फेंक दिया भाई, ये सिंडिकेट वालों ने लो किया था और मैंने इसको यहाँ पे पकड़ लिया है। 98,
99, 100 लेट्स गो भाई। अब ये सिंडिकेट वाले मुझे ना मार दे, इससे पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि भाई इनके पास ऑलरेडी गन्स हैं। एक से पंगा लेके जाता हूँ तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से भाई, पड़ी इसको। और एक सेकंड भाई, नहीं 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 भाई, उसकी पावर बहुत ज्यादा धीरे धीरे कम हो रही है, अपने को मार देगा, उसके पास ऑलरेडी गन है और मेरे पास अभी अच्छी खासी लूट है, मैं नहीं चाह रहा भाई यहाँ पे मरना। चलो अभी ना एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से टीपी मारते हैं अपने बेस पे, फिर बाद में यहाँ पे आएंगे भाई ये बड़े बड़े पॉकीमॉन्स पकड़ने। ओके तो अभी मैं अपने बेस पे आ चुका हूँ और अब चेक करते हैं भाई जो हमने पॉकीमॉन्स को पकड़ा है ना। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे हम जितना भी इसको पाल बॉक्स को अपग्रेड करेंगे ना, उतने पॉकीमॉन्स हम यहाँ पे अपने बेस पे भी रख सकते हैं। रुको यार, चलो इसको अपग्रेड कर ही देता हूँ। क्या चाहिए यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए? ओके हमें यहाँ पे ना बस एक बेरी प्लांटेशन लगाना है, फिर हम इसको इजीली यहाँ पे अपग्रेड कर पाएंगे। रुको सबसे पहले ना यहाँ पे जो हमने पॉकीमॉन्स पकड़े हैं उनको बाहर निकालते हैं भाई। एक ये था और ये तो हमने पकड़ ही लिया था, बढ़िया बढ़िया जितने भी है ना मेरे पास उनको यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। भाई साहब इतने कुछ खास नहीं है, बट देखते हैं भाई ये क्या यहाँ पे काम करते हैं। चलो अभी ना अपने को हमारा बेस अपग्रेड करना है तो इसके लिए हमें जाना होगा टेक्नोलॉजी में और यहाँ पे कुछ बेरी प्लांटेशन करके कुछ हमें मिलने वाला है। और एक सेकंड भाई, मिल गया मुझे यहाँ पे। चलो मैंने इसको अनलॉक कर लिया है और जहां तक मुझे इसके नाम से पता लग रहा है ना, कुछ हम इस पे प्लांट्स वगैरह कर सकते हैं ट्री को। इसको भी फिलहाल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। हाँ ये जगह परफेक्ट है। आओ भाई पॉकीमॉन्स हेल्प करो मेरी। ओके यहाँ पे हेल्प कर रहा है और आई थिंक वो भी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ये किस में हेल्प करते हैं भाई जो मैंने अभी पकड़ा है? चलो यार उसको भी देखेंगे। बाकी यहाँ पे अंधेरा हो चुका है भाई, रात भी हो चुकी है। लेट्स गो, मैंने बेरी प्लांटेशन को लगा दिया। और एक सेकंड, ओके तो समझ गया भाई, यहाँ पे ना हम फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हमें आई थिंक सिंपली सीड्स वगैरह लगाने हैं और उसके बाद यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लग जाएंगे। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे खाने की टेंशन तो खत्म, हम डायरेक्टली ना जो खाना है वो यहाँ से ले सकते हैं। चलो यहाँ पर हमने प्लांट तो सीड्स डाल दिए हैं, अभी ना चलते हैं। भाई साहब ये क्या कर रहा है भाई, ये तो फैल भी गए यहाँ पे। अच्छा ये बेड ये यूज करते हैं भाई, देख रहे हो कैसे मस्त यहाँ पे सो रहे हैं। चलो अभी एक काम करता हूँ, फटाफट से अपग्रेड कर देते हैं इसको। लेट्स गो, लेवल 5 का अपना बेस हो चुका है और उसी के साथ ना मैं यहाँ पे प्लेयर के भी स्टैट पॉइंट्स अपने आ चुके हैं। देखो अपने पास ना 5 स्टैट पॉइंट्स है तो यहाँ पे एक एचपी हम इंक्रीज करेंगे और तो और साथ साथ मैं सोच रहा हूँ वर्क स्पीड भी बढ़ाए क्या। नहीं भाई अटैक को थोड़ा इंक्रीज करते हैं यार, अपना अटैक काफी कम जा रहा है तो यहाँ पे अटैक को मैं 2 बढ़ा देता हूँ और साथ ही साथ स्टैमिना भी बढ़ा देता हूँ। चलो भाई इनको ना फटाफट से इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर दिया है, अभी अपना एक स्टैट पॉइंट्स बचता है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अभी एक काम करते हैं भाई, काफी ज्यादा रात हो चुकी है और भाई साहब रात में तो और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई यहाँ पे। चलो अभी एक काम करते हैं, सो जाते हैं भाई। यहाँ पे ना अजीब अजीब से पॉकीमॉन्स दिखते हैं भाई रात को, इनको बाद में पकड़ेंगे। अभी एक काम करते हैं फटाफट से चल के भाई मैं भी सोता हूँ, अपने पॉकीमॉन्स तो सो गए और फिर डायरेक्ट मिलता हूँ आपसे कल सुबह। ओके तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, फटाफट से बाहर निकलते हैं। और बताओ मेरे क्या कर रहे हो पाल्स? ओ भाई साहब ये यहाँ पे पानी दे रहा है भाई, बहुत बढ़िया यार, यहाँ पे प्लांट्स को अपने पानी दे रहा है, सीड्स को जल्दी से जल्दी ये ग्रो हो जाएंगे। चलो अभी ना भाई टेक्नोलॉजी पॉइंट चेक करते हैं, अब जल्दी से चीजें अनलॉक करते हैं भाई जो अपनी अपग्रेड करने के बाद खुली है। मैं ना यहाँ पे भाई जो काम की चीजें सिर्फ वही खोलने वाला हूँ। और एक सेकेंड भाई यहाँ पर ना वेट, प्यास क्या जो हम कल पाल पकड़ के लाए थे ना मेलपे का, भाई इसका शेडल यहाँ पे हम अनलॉक कर सकते हैं। देखो भाई जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ शेडल क्या चीज है। चलो मैंने इसका शेडल तो अनलॉक कर लिया, अभी मैं इसे दिखाता हूँ भाई शेडल क्या चीज होती है। मुझे ना इसको यहाँ से बुलाना पड़ेगा, यहाँ से इसको बुलाते हैं अपने पास। और अब देखना मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा और जस्ट सिंपली इसको पास बुलाया और मैं ना अभी इसके ऊपर बैठ सकता हूँ भाई। ये देखो अभी अपने को कहीं भी जाना है ना भाई, मस्त इसके ऊपर बैठ के राइड करो भाई, हॉर्स राइडिंग अपने को मिल चुके है अभी। ठीक है भाई किसी से बचना हो ना इसके ऊपर, एक सेकंड मुझे एक चीज ट्राई करनी है, क्या हम इसके ऊपर बैठ के भाई इसके ऊपर बैठ के ना हम फायर भी कर सकते हैं यहाँ पे और आई थिंक ये मारेगा भी ना। देखो इसके पास जाके ट्राई, भाई साहब ये तो मारता भी है। देखो इसको कैप्चर कर लेता हूँ भाई। ओए 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 आराम से भाई, रुक जाओ, अरे मत मारो भाई। इन्होंने तो पेल दिया भाई अपने बेस में, जो भी आ रहा है ना भाई पहले जा रहे हैं ये लोग तो, बहुत बढ़िया। ये अपना है क्या? हाँ ये तो अपना ही है। चलो भाई मैंने उसको एक और कैप्चर कर लिया, 16 पाल्स अपने पास हो चुके हैं अभी फाइनली। चलो भाई अभी ना अपने लिए बहुत आसानी रहेगी, फटाफट से एक काम करता हूँ इसके ऊपर से उतरता हूँ और यहाँ से अपने कुछ पॉकीमॉन्स को लेते हैं और चलते हैं भाई। आज और भी तगड़े पॉकीमॉन्स पकड़ के लाने वाला हूँ मैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना भाई जाने से पहले एक बार और अपने बेस को अपग्रेड कर लेते हैं। अभी ना एक चीज हमें करनी है, बिल्ड स्टैच्यू ऑफ पावर। रुको रुको यार ये क्या चीज है, एक बार टेक्नोलॉजी में चल के देखते हैं। कुछ स्टैच्यू ऑफ पावर हमें अनलॉक करना होगा और ये रहा यहाँ पे। देखो इस पे लिखा क्या है एक बार पढ़ लेता हूँ पहले। भाई इससे ना हम अपने पाल्स की पावर बढ़ा सकते हैं, ये तो भाई काम की चीज है यार, ये तो हमें करने चाहिए। रुको इसको ना मैं कहाँ पे बिल्ड करूँ, इसको बढ़िया सी जगह बिल्ड करते हैं। ये ना कुछ स्टैचू टाइप है भाई, क्या मस्त लग रहा है। इसको करते हैं यहाँ पर, ये मस्त जगह है। चलो गाइस आओ फटाफट से भाई हेल्प करो मेरी, कहाँ गए पाल्स? ये तो भाई तुरंत आ जाता है, इसको तो भाई मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा क्योंकि ये भाई हर बार आ जाता है सबसे पहले भागता हुआ छोटू सा। ये दोनों ही मेरी हेल्प कर रहे हैं। चलो इसको बिल्ड करते हैं और भाई देखते हैं कि आखिर इससे हम क्या कर सकते हैं। चलो अभी ये भी यहाँ पे बिल्ड हो चुका है और यहाँ पे ना दो चीजें हमारे पे आ रही हैं, इनहेंस
प्लेयर स्टैट्स और इनहेंस पाल्स। अच्छा हम यहाँ पे पाल्स को भी इनहेंस कर सकते हैं। ओके भाई मैं समझ गया, देखो जो भी अपने पाल्स होते हैं ना उनकी हम पावर वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं भाई इसके थ्रू। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो गाइस आप लोग ना मुझे कमेंट में बता देना भाई अगर मैं कुछ भी गलत स्टेप लेता हूँ ना यहाँ पे। भाई रुको यार मैं हंगरी हूँ, पहले कुछ खा लेता हूँ यार, मैं खाना भूल जाता हूँ यार बार बार। ओके यहाँ पे अपना फुल हो चुका है पेट, अब ये काम करता है मैंने इसको भी कर दिया है। अब भाई अपने बेस का लेवल बढ़ाते हैं यार यहाँ पे, लेट्स गो। लेवल 6 यहाँ पे हो चुका है और अपनी काफी सारी चीजें अनलॉक होंगी भाई, जितना हम इसको बढ़ाएंगे ना उसी के साथ अपना गेम आगे बढ़ता चला जाएगा। चलो गाइस अभी ना यहाँ से निकलते हैं, मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। यहाँ पे ना जो बढ़िया बढ़िया से पाल्स है, एक तो मैं ना इन दोनों को लेके जाने वाला हूँ, ये मुझे ना कुछ काम के तो लग रहा है। भाई ये कैटीवा तो बहुत खतरनाक चीज है भाई, ये तो मैंने देख लिया भाई, बहुत मस्त मारती है। और ये भी ले चलते हैं, अपने ना आर्मी रेडी हो चुकी है, जो अपनी आर्मी है भाई फटाफट से इनको खाना खिलाते हैं और जल्दी से निकलते हैं। चलो भाई यहाँ पे सबका पेट मैंने फुल कर दिया है, अभी ना मैं यहाँ से सीधा टेलीपोर्ट करके जाने वाला हूँ भाई। अपना पाल जो बॉक्स है ना ये बहुत सही चीज है भाई, हम इजीली यहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। चलो गाइस अभी ना मैं फास्ट ट्रेवल करके आ चुका हूँ भाई उसी लोकेशन पे जहाँ पे हम लास्ट टाइम आए हुए थे। और भाई बजाते हैं सिंडिकेट की बैंड यार, पिछली बार तो मैं ऐसे भागना पड़ा था ना। रुको भाई अपने पोकेमॉन को पहले इस पे स्पॉन करता हूँ, रुक जा भाई मुझे तो बैठा ले, कहाँ जा रहा है। और देखते हैं भाई ये लोग करते क्या है यहाँ पे। ओके मैं यहाँ पे वेट, इसको कैप्चर करता है भाई, रुको रुको उतर 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 उतर, अबे जल्दी उतर जा फटाफट, इसको हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं भाई। इन्होंने ना काफी ज्यादा लो कर रखा है, एक सेकंड मैंने बॉल फेंक दिया भाई, ये सिंडिकेट वाला अपना फायदा तो काफी ज्यादा करता है। वेट अबे निकल गया वो बाहर, एक बॉल और फेंकता हूँ इस पे, रुको मुझे ना थोड़ा अच्छे से फेंकनी होगी, सिंडिकेट से मैं बाद में फाइट लूंगा भाई, एक बार ये कैप्चर हो जाए। नहीं यार ये लोग ना इसको मार देंगे, उससे पहले मुझे इसको कैप्चर करना होगा, लास्ट ट्राई अगर मैंने अपनी करा ना भाई तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा। और वेट 72, 99 और 100 भाई यार इन्होंने अभी जो काम किया है ना, मेरा मन तो कर नहीं रहा इनको मारने का, बट क्या करे भाई मारना तो देखो इनको पड़ेगा। जा भाई इसकी बैंड बजा के बहुत उछल रहा है, अब देखना जो अपना पाल है ना इसकी बैंड बजाएगा और ये मारी टक्कर, और भाई साहब एक ही टक्कर में उड़ा दिया उसको। अभी ना आगे चल के देखते हैं भाई क्या तो सीन है भाई, बैठा मुझे अपने ऊपर। और एक सेकंड भाई अभी तक तो और कोई है ही नहीं यहाँ पे, भाई यार अपना मस्त फायदा हो गया। एक सेकंड भाई यहाँ पे छोटा सा पाल है और ये बंद कर रखा है, और एक सेकंड हम इसको बचा सकते हैं क्या भाई, ये कितना प्यारा सा पाल है ना, रुको यार इसको बचाते हैं यहाँ पे। ओके मैंने खोल दिया और एक सेकंड भाई ये अपना हो चुका है, भाई साहब ये तो बहुत मस्त सीन है, हमने उसको बचाया और वो अपना हो गया यहाँ पे। भाई देखा जाए तो हमने ना इस जगह पे राज कर लिया भाई फिलहाल के लिए। रुको अभी ना इसको ट्रिगर करता हूँ, इसको भी पकड़ते हैं, अपने को ना पाल्स पकड़ना है जल्दी जल्दी में, 30 पाल करने हैं, 18 हो चुके हैं अपने पे। भाई मार जल्दी मार जल्दी मार, और ओ भाई ओ वापस आ जा भाई, तू रहने दे, तू तो कुछ नेक्स्ट लेवल है भाई, बहुत ज्यादा मारता है। ओके 63 कैप्चर हो जा, 83 लेट्स गो भाई, 100 भाई अब आ रहा है असली मजा, अब आना शुरू हुआ है। तो गाइस अभी ना भाई हमने बहुत ही मस्त तरीके से भाई जो सिंडिकेट का बेस था उसको पूरा कैप्चर कर लिया है। भाई सही बताऊं तो मैंने धोखे से पकड़ा यार उस डियर को, मेरा मन तो कर रहा है भाई जाके अभी चेक करो कि वो करता क्या है, बट करेंगे बाद में, चेक करेंगे मेरा। और पोकेमॉन्स देखते हैं, वेट भाई यहाँ पर एक ईगल टाइप है जिसका नाम है निटविंग, अगर मैंने ये पकड़ ली ना मैं सही में बहुत खुश हो जाऊंगा भाई, इतने सारे बढ़िया बढ़िया पोकेमॉन्स आ रहे हैं। और भाई इतने स्टार्टिंग में ना भाई मैं बहुत डिफिकल्टी से पकड़ रहा हूँ, वो तो मैंने माना बट पकड़ लिया तो बहुत बढ़िया बात होगी। देखो अभी ना मैं इसके पास चलता हूँ, इसको यहाँ से ट्रिगर करता हूँ, जस्ट हो गया भाई, लो लेट्स गो, काम अपना हो चुका है। अब भाई ये ना आ जाए बस बीच में फिर दिक्कत हो जाएगी, अब जो ये है ना बस हमें इसको लो करना है यहाँ पे। भाई ये स्ट्रैटेजी ठीक है यार, मैंने एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढी है, और एक सेकंड भाई स्ट्रैटेजी ढूंढी भी मेरी, मतलब जब अपने पाल को पढ़ने वाली हो ना तुरंत उसको बुला लो, रुको मैं ना इसकी हेल्प करूंगा यहाँ पे। और एक सेकंड वापस बुलाओ, ठीक है बच गया, वापस छोड़ा और मैं इसको फिर देता हूँ अटैक की कमांड। भाई मैं ना छुप छुप के खेलने वाला हूँ तभी यहाँ पे अपना काम बनेगा। अबे पेड़ अट जा भाई, बच गया मैं बार बार, इसको जस्ट लो करना और बॉल फेंक के देखू क्या। नहीं भाई अभी कोई भी काम नहीं आने वाली है, रुको थोड़ा सा और लो करना है भाई इसको ना, लो करने में मेरी हवा टाइट हो जाएगी मुझे इतना जरूर पता है। रुको अपने ना वापस बुलाते हैं और फिर से छोड़ता हूँ इसको अभी मैं। भाई अटैक कर, ये अटैक कर भी रहा है नहीं कर रहा, मैंने इसको देखा नहीं है अभी तक अटैक करते हुए। रुको कहाँ गई वो, ये रही, इसके हेड पे मारू क्या, रुको रुको यार इसको ना एक काम करते हैं भाई, वो कैप्चर वाला निकालता है, इसको बुलाता हूँ वापस, ये जा भैंस क्या, ये कौन आ गया भाई यहाँ पे, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आया था, इसको तो मैं कैप्चर कर लूंगा भाई इजीली, ये तो हो जाएगा ना 70। अरे ये तो भाई हो जाना चाहिए, ये तो बहुत लो भाई अपने उसने मार ही दिया भाई इसको, कोई बात नहीं। अभी वो कहाँ पे ईगल को जिससे हम फाइट ले रहे थे भाई, ये सबसे गलत सीन है भाई, अगर एक से फाइट ले रहे हैं ना तो वही होना चाहिए भाई, सब आ जाते हैं ना तो कंफ्यूजिंग सा हो जाता है काफी ज्यादा। रुको भाई ऊपर एक और आ चुकी है, उससे मुझे फाइट नहीं लेनी है, फायरफॉक्स तो कुछ कर भाई इसको
इसको मार, नहीं 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 बच गया भाई अपना बार बार मैंने वेव से पहले इसको वापस बुला लिया था भाई। ये तो बहुत मुश्किल है यार इसको पकड़ना, तो एक सेकंड रुक जाओ यार। और इसने मुझे मारा ना तो बहुत ज्यादा डैमेज देता है। नहीं यार ये अभी तो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं होगा, वो तो मुझे पता है, बट एक सेकंड मुझे ना ऐसे कर करके धीरे धीरे करके इसको लो करना पड़ेगा। अब ट्राई करता हूँ भाई, अभी ये काफी ज्यादा लो है, 20% हो चुका है। ओके लेट्स गो, अबे यार निकल गया 52 पे। एक सेकंड बस, इसे बच बच के ना मुझे यहाँ पे फायर करनी है इस पे भाई, प्लीज अब आ जाओ यार, 31% है भाई। नहीं यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे ना कुछ तो करना होगा। लास्ट ट्राई, अब आ जाएगा गाइस 100%, अब आ जाएगा ये 35, प्लीज प्लीज 66, लेट्स गो भाई लेट्स गो। हमने इसको भी पकड़ लिया है भाई, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यार मुझे। हमने डियर भी पकड़ लिया है, हमने ये नाइट विंग भी पकड़ लिया है भाई। सही में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ भाई। हमने ये भी पकड़ लिया है, मतलब अभी जस्ट गेम स्टार्ट हुआ है, हमने इतने मस्त मस्त यहाँ पे पास पकड़ लिया है। और एक सेकंड ये कौन बैठा हुआ यहाँ पे भाई, इसको भी पकड़ सकता है क्या? रुको रुको एक बार इसके पास चल के देखता हूँ। अबे उतर जा भाई, एक तो ना ये अभी ना इसके पास चल के देखता है। रुको ये मर चुकी है क्या यहाँ पे, ये क्या है भाई यहाँ पे? एक सेकंड रुक, ओबे नहीं 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 भाई इसको तो नहीं, ये नहीं पकड़नी भाई। रुको रुको रुको, इसको भी पकड़ सकते हैं हम, लेवल 9 की है भाई। ठीक है अपने पास तो बढ़िया बढ़िया पाल्स आ जाएंगे। इसको फिर से मारता हूँ मैं यहाँ पे। अब एक बार बार पंगा ले लिया है, अपना कॉन्फिडेंस आ गया भाई तुम्हारे भाई में थोड़ा सा ना। अपने पाल को कहते हैं इस पे अटैक करने के लिए, और उसने भी अटैक करना शुरू कर दिया है भाई। जो बर्फ वाला था ना उसने काफी फायदा करा यार अपना, ज्यादा बहुत ज्यादा फायदा करा है। उसको ना मैं भी निकालूंगा, मेरे पास भी अभी वो है फिलहाल यहाँ पे। और एक सेकंड भाई इसने अपने को डैमेज दिया है अभी। रुको रुको इससे ना मुझे बच के यहाँ पे फाइट लेनी होगी भाई। अभी रुको मेरे वो पाल से बिट रहा है, मैं इसको जल्दी से लो करता हूँ यहाँ पे भाई साहब। ये बहुत सही चीज है। ओ वेट बच गया भाई मैं इसके वेव से, अभी थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूँ बट नहीं। रुको 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 अभी मेरे पे अटैक करके बच गया मैं बार बार भाई। वो तो मेरा डाउन हो चुका है, अब मैं छोड़ता हूँ इस वाले पोकेमोन को, जाके अटैक कर भाई फटाफट से। भाई साहब ये ना कुछ ज्यादा ही तकड़े फायर दे रहा है अभी। अब देखना ये मेरे पे करता है पाल पे करता है वो तो हमें चेक करना होगा। भाई ये क्या था भाई, अपने जो फायर बॉक्स है ना इसने दो झटके में ही मार दिया उसको। अबे यार ये इतनी पावरफुल है, मुझे नहीं पता था यार अच्छा खासा इसको कैप्चर कर लेते, बट कोई बात नहीं। रुको भाई इसको प्यार कर देते हैं, ये बहुत मस्त काम किया है इसने ना। इधर आ फटाफट से, इधर आ, तूने बहुत बढ़िया काम किया है, बस थोड़ा सा बता देते यार। चलो कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी एक तो पकड़ लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजा वापस आजा। चलो गाइस अभी ना हमने यहाँ पे काफी सारे पोकेमॉन्स पकड़ लिए हैं। अब ये काम करते हैं भाई, सबसे पहले अपनी हेल्थ इंक्रीज करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अपनी हेल्थ काफी ज्यादा लो हो चुकी है, और अपने जो एक दो पाल्स है ना वो भी यहाँ पे मर चुके हैं। चलो भाई अपना जो खाना है भाई भी तो फुल हो चुका है। अभी ये काम करता है, जो हमने पाल पकड़े भाई उनको चल के टेस्ट करता है। रुको ये नहीं कोई चलने वाला नहीं है क्या यहाँ पे? और ये रहा, इसको निकालता है भाई फटाफट से बाहर, और इसके ऊपर बैठता है। एक तो भागता है ना स्टार्टिंग में, वो पता नहीं क्यों भागता है। अपना मुझे जस्ट टेलीपोर्ट वाले पे जाना है, और वहाँ से चल के देखते हैं भाई जो हमने पाल्स यहाँ पे पकड़े हैं। ओके चलो मैं अपने बेस पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर चल के देखते हैं। एक तो ये मैंने डियर भाई धोखे से पकड़ा है, और इसको हमने वहाँ पे बचाया था। और कौन सा नया है? और एक ये ईगल भाई, इसका नाम क्या है? निटविंग। ये हमने यहाँ से पकड़ी है। अभी ना मैंने सारे बेस्ट बेस्ट जो पोकेमॉन्स है उनको बाहर निकाल दिया है। एक सेकंड भाई इसका भी तो शैडल आता होगा ना। एक सेकंड रुको यार अभी ट्राई करता हूँ, अगर अनलॉक हो जाए ना तो मजा आएगा भाई, उड़ के जाएंगे हम लोग ना। डियर का भी यहाँ पे शैडल मिलता है। रुको भाई डियर का भी ठीक है, मुझे ना ये जो फ्लाइंग वाला है इसका शैडल चाहिए मुझे यहाँ पे भाई। इसका शैडल भी मुझे मिल चुका है, और वो अनलॉक होगा लेवल 15 पे। अभी हम कौन से लेवल पे हैं? अभी हम लेवल 9 पे हैं भाई, ज्यादा दूर नहीं है यार। इसको भी हम अनलॉक कर लेंगे, और अगर ये एक बार अनलॉक हो गया ना भाई फिर मजा आएगा, हवा में वादियों में उड़ते हुए घूमेंगे भाई, ये तो बहुत मस्त हो जाएगा। चलो अभी एक काम करते हैं, देखो ये हमको अपग्रेड करना है भाई, ये सबसे ज्यादा मेन चीज है। इसको लेवल 7 का करके चलते हैं अपने बेस को ना। क्या क्या करना है? बिल्ड क्रशर, स्टोन पिट और लॉगिंग साइट। चलो यार इन तीन दो चीजों को लगाते हैं और फिर इसको अपग्रेड करते हैं। तो चलो अपग्रेड करने से पहले ना भाई टेक्नोलॉजी में से उनको अनलॉक कर लेते हैं। एक था बिल्ड क्रशर, वेट क्रशर तो भाई मुझे मिल चुका है, इसको फटाफट से अनलॉक करते हैं। अपने पास कितने पॉइंट्स है भाई? 25 पॉइंट्स है, बहुत सारे हैं भाई। लॉगिंग साइट से ना हम इजीली अपने बेस पे वुड वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, इसको भी अनलॉक करते हैं। और स्टोन पिट से आपको समझ आ रहा होगा भाई नाम से, स्टोन भी हमें इजीली अपने बेस पे मिल जाएगा। चलो मैंने तीनों चीजों को अनलॉक कर लिया है, अब फटाफट से ना इनको प्लेस करना शुरू करते हैं। ये रही अपनी लॉगिंग साइट, इसके लिए क्या चाहिए मुझे यार? अपने पास ना पेल्डियम फ्रेगमेंट कम है, और तीनों भाई तीनों चीजों में पेल्डियम कम है यार, अपने को ना पेल्डियम लाना होगा भाई कहीं से। चलो गाइस अभी ना एक काम करता हूँ, फटाफट से सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद इनको बनाते हैं। चलो भाई मैंने ना अभी सारा जितना भी रॉ मटेरियल था वो सब कलेक्ट कर लिया, और भाई यहाँ पे शाम भी हो चुकी है। चलो अभी ना एक काम करते हैं, तीनों चीजों को फटाफट से प्लेस करते हैं लॉगिंग साइट। अच्छा ऐसे इस पे ट्रीज वगैरह आएंगे, इसको ना एक काम करते हैं यहाँ लगाते हैं, अभी ज्यादा भीड़ नहीं। बाकी बाद में ना गाइस देखो मैं ना इनको भाई फुल्ली अरेंज करूंगा ऐसे, यानी
नहीं फेंकूंगा भाई जहाँ पे लगा रखे हैं। चलो एक काम करते हैं, जो मेरे पाल से वो इसको बेल्ट कर देंगे, इतना जो बाकी कहना मैं उनको लगाता हूँ। यहाँ पे स्टोन पिट भी इसके साइड में लगा देते हैं, ये परफेक्ट जगह है। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है और आई थिंक ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि भाई वो लोग तो ऑलरेडी वहाँ पे लगे हुए हैं। इसको लगाते हैं, इसके बारे में मैं देखूंगा यार ये क्रशर करता क्या ये मुझे नहीं पता है। इसको लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो ये फायर लाइटनिंग है ना, इसको भाई मैं चारों तरफ लगाऊंगा। रोशनी यहाँ पे नहीं हो रही है ना ज्यादा, उधर भी अपने को थोड़ी सी रोशनी चाहिए। तो अभी देखता हूँ कहाँ पे ये रही। कैंप फायर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, वुड चाहिए होगा भाई। फिर से वुड है भाई, फुल ऑन फुल वुड है अपने पास। यहाँ पे काफी सारा वुड पड़ा हुआ है। चलो अपने को वुड मिल चुका है, कहाँ पे लगाऊं। इस तरफ रोशनी कम थी ना भाई, ये देख रहे हो एकदम इसको लगाते यहाँ पे रोशनी हो जाएगी। इधर लगा देता है भाई, टॉर्च है अपनी, ये फायर थोड़ी है, ये सर्दियों से बचने के लिए नहीं है, अपनी टॉर्च है भाई। वैसे अभी ना गाइस बिल्कुल शुरुआत है भाई, आगे आगे देखना मैं क्या क्या करने वाला हूँ। इसको ना भाई एकदम फुल महल टाइप बना देंगे। देखो अपना कार फॉर सेल में भी सबसे यूनिक मेंशन हमने बनाया था जो अपना शोरूम था, और यहाँ पर भी ना भाई मैं इसको बहुत क्रिएटिव वे में बहुत मस्त बनाने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में। तो बस आप लोग यार सपोर्ट दिखाना, उससे ना और मोटिवेशन मिलता है भाई वीडियोस जल्दी जल्दी लाने का। चलो अभी ना ये लोग यहाँ पे बिल्ड कर ही रहे हैं चीज को, अबे इसको कौन क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा आई थिंक वो ना अभी वहाँ पे लगे हुए। चलो यार यही उसको बाद में कर देंगे, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ चल के देखते हैं भाई, मैंने डियर तो देखा ही नहीं यार जब से हमने लिया, और ये भी यहाँ पे सो रहा है भाई। कुछ ही क्या हो यार, ये दिखने में तो बहुत प्यारा है यहाँ पे। और भाई साहब अपना जो नाइट विंग है ना भाई, उसका भी यहाँ पे सोने का कुछ अलग ही तरीका है भाई। मतलब मैं समझ गया, देखो जितने भी बड़े बड़े पॉकीमॉन्स है ना वो लोग यहाँ पर सोते हैं सिर्फ बेड पे। और को बेड और लगाने चाहिए क्या, नहीं अभी के लिए फिलहाल इतने ही काफी है। एक काम करता हूँ ऊपर लगा के ट्राई करता हूँ यार, यहाँ पे लगाते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई पॉकीमॉन आएगा क्या। मैंने यहाँ से एक बेड ले लिया है और इसको मैं प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पर। भाई सॉरी पॉकीमॉन के बेड यहीं पे प्लेस करते हैं ऊपर, भाई ऊपर भीड़ हो जाएगी यार बहुत ज्यादा। चलो मैंने ना इस बेड को भी यहाँ पे लगा दिया है। अभी एक काम करते हैं भाई, मैं भी फटाफट से चल के सो जाता हूँ, कल कुछ बढ़िया से यूनिक से और पॉकीमॉन्स लेके आएंगे, उसके बाद ना मैं किसी बड़े पॉकीमॉन से फाइट करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई, फटाफट से यहाँ पे सो जाता हूँ और कल चलते हैं भाई बढ़िया पॉकीमॉन्स पकड़ने। ओके नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे हो चुकी है और देखते हैं भाई बाहर चल के अपने पॉकीमॉन्स क्या कर रहे हैं। भाई लोगों ने अब तक ये बिल्ड नहीं करा है क्या, और एक सेकेंड भाई यहाँ पे जो डियर था ना वो वुड को तोड़ रहा है यार। अच्छा ये ना यहाँ पे वुड कलेक्ट करता है, और देखो जितना ये लोग यहाँ पे बेस पे काम करेंगे ना उतना इनका यहाँ पे लेवल इंक्रीज होगा। अब ना मैं जाने वाला हूँ भाई फाइट करने के लिए, रुको अपने बेस्ट पॉकीमॉन्स लेके चलते हैं। एक ये हो गया ईगल, और एक ये डियर हो गया, और एक ये हो गया यहाँ पे जिसकी हम राइड करके जाएंगे। भाई फायरफॉक्स तो मैं जरूर लेके जाऊंगा, जो सबसे ज्यादा लेवल की है ना ये लेवल 8 की है, तो इसको यहाँ पे मैं लेके जाने वाला हूँ। चलो भाई हम ना फुल रेडी हो चुके हैं, अब एक काम करते हैं इस पे बैठ के जाऊंगा, रुको पहले ना टेलीपोर्ट कर लेते हैं। ओके पॉकीमॉन्स मैं आता हूँ जस्ट, एक काम करता हूँ भाई जितने बच्चे मैं ना इनको अपने बेस पे छोड़ देता हूँ, ये लोग बस यहाँ पे काम करते रहेंगे। चलो मैंने यहाँ पे ना जो बचे हुए पाल्स थे वो ये सब यहाँ पे छोड़ दिए हैं, और आई होप जब हम वापस आएंगे ना तो टोटल हमारे 30 पाल्स हो जाएंगे। चलो अपनी आर्मी पूरी रेडी हो चुकी है युद्ध के लिए, अभी ना फटाफट से एक काम करते हैं यहीं से फास्ट ट्रेवल करते हैं और वहीं चलते हैं। भाई वहाँ पे ना हमने आगे जाके पॉकीमॉन्स एक्सप्लोर नहीं किए थे, तो जल्दी से वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं भाई आज हमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है वहाँ पे। चलो गाइस अभी ना भाई मैं अपना फास्ट ट्रेवल करके आ चुका हूँ भाई दूसरी जगह पे, और यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं भाई बढ़िया बढ़िया से। देखो मैं ना भाई सेम पॉकीमॉन्स को नहीं कैप्चर करने वाला हूँ, अभी ना हम डिफरेंट पॉकीमॉन्स को पकड़ने वाला है, ठीक है। बाकी पता नहीं यार मैं कौन सी लोकेशन पे तो आ चुका हूँ यहाँ पर। भाई साहब ये कितना बड़ा मैप है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ GTA से भी बड़ा मैप है यहाँ पे। और मैं ना अभी फिलहाल नीचे भी कूद चुका हूँ, रुको यहाँ पे ना एक ब्रिज जा रहा है। वेट भाई यहाँ पे एक टूटा हुआ कैसल मुझे नजर आ रहा है, एक सेकंड रुको भाई यहाँ पे चल के देखता है क्या सीन है, क्या पता अपने को कुछ बढ़िया सा देखने के लिए मिल जाए भाई यहाँ पे। एक सेकंड भाई मुझे ना वहाँ पे कुछ अलग से पॉकीमॉन्स तो दिखा, देखो ये तो वही है जिसको हमने बचाया था, और भाई मंकी है यहाँ पे। रुको रुको यार ये तो पकड़ना बनता है यार, एक काम करता हूँ इससे फटाफट से उतरते हैं, इसको बुलाता हूँ वापस अंदर। ओए डर गया भाई डर गया ये, इसको ना ट्रिगर करता हूँ फटाफट से आगे वाले। ए अबे कोई तो ट्रिगर हो जाओ। ओके मैंने इसको ट्रिगर कर दिया है, और यहाँ पे अपना व्यापाल को छोड़ने वाला हूँ जो की इस पे अटैक करेगा। भाई इसको तो पकड़ के ही जाऊंगा भाई मैं यहाँ से। ओ बस कर भाई जो ये तो कितना डैमेज देता भाई है, मुझे लगता है ये तो एक बारी में आ जाएगा भाई 72%। भाई इसका साथ ही मुझे क्यों मार रहा है, रुक जाओ वहाँ पे एक और भी है मंकी जो कि अपने पे अटैक कर रहा है। रुको मुझे ना वापस से इसको छोड़ना होगा, और एक बार उसको अटैक कमांड देते हैं। और कहां गया ये, बहुत मारा था ना ये रहा। चलो पीछे डियर भी है भाई, रुको उससे पंगे नहीं लेना है अभी, बिना मतलब में कभी सीन हो जाए। इसको लो करते हैं और एक ही टक्कर मुझे लग रहा है मारना दे। चलो वो तो हो गया अपना काम, अब फटाफट से ना इसको यहां पे कैप्चर कर लेता हूं। भाई दो मंकी अपने पास आ चुके हैं, 60% 80 लेट्स गो 90 100 लेट्स गो भाई, वो भी हमने कैप्चर कर लिया। और एक सेकंड यहां पे एक ट्रेजर हंट है, चलो इसको खोल के देखते हैं भाई इसके अंदर क्या मिलने वाला है हमें ना। भाई यहां पे तीन पास पेयर मिली है और एक मेगा
मेगा पाल स्पेयर है और 78 गोल्ड कॉइन्स मिला है। अभी ना और चीज देखते हैं। वेट भाई, वहां पर ना टेलीपोर्ट वाला टावर मुझे दिख चुका है। रुको भाई, इसको भी अनलॉक करते हैं। अपनी एक और जगह खुल गई है भाई। हमने पहले दिन में कितनी सारी चीजें खोल दी है भाई आज। रुको, यहां से उतरता हूं और इसको भी अनलॉक कर लेते हैं। अब ना मैं डायरेक्ट यहां से फास्ट ट्रेवल कर सकता हूं अपने बेस पे। भाई वैसे ये जगह कौन सी है? वेट, अपना पोकेमॉन कहां गया? अबे तू क्या कर रहा है भाई? मैंने तुझे कहा थोड़ी भाई लड़ने के लिए, अब तो पकड़ ही लेते हैं भाई जब तूने कर ही लिया ना। चलो भाई, यहां पर एक और कैप्चर हो चुका है। 26 पाल हमने कैप्चर कर लिया है। अब इसके ऊपर बैठ। ओए भाई, इतना दूर क्यों भागता है तू? मेरे से फटाफट से मेरे पास आ भाई, अपना अलग ही मनमर्जी चलाता है। रुको, अभी ना ऊपर चल के देखते हैं भाई वहां पे क्या सीन है। ये ना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है भाई। मुझे लगता है यहां पर अपने को कुछ बढ़िया चीज मिल सकती है। ये तो मंकी है, ये तो हमने देख लिया है। अभी ना जो डिफरेंट होगा सिर्फ मैं वही पकड़ने का ट्राई करूंगा। गाइस, अभी ना मैं वहां से काफी आगे आ चुका हूं और मुझे ना वहां पे सामने एक डियर दिख रहा है। देखो, हमने ना पहले इसको चीटिंग से पकड़ा था। मैं सोच रहा हूं इसको ना डिफीट करते हैं प्रॉपर और फिर पकड़ते हैं इसको। चले क्या ट्राई करें एक बार, इसका ना लेवल देखता हूं कौन सा लेवल है भाई। इसका 11 लेवल हमें यहां पे दिखा रहा है। क्या कहते हो गाइस, पकड़ना चाहिए क्या? वेट भाई, मुझे वहां पे एक और पोकेमॉन दिखा। और एक सेकेंड भाई, ये कौन सा है? यहाँ पे कुछ अलग हमको दिखा है। एक काम करता हूँ भाई, इस पे ना डायरेक्ट फीट। इसका लेवल मुझे अभी जस्ट दिखा था ना। क्या लेवल? ओ भाई, इसका 11 लेवल है और आई थिंक ये जाइंट है, कोई बड़ा पॉकीमोन है। एक काम करता हूँ, रुको, इस पे ना डायरेक्ट बॉल फेंक के देखता हूँ। क्या पता भाई ये आ जाए अंदर। इसके हेड पे चांसेस है क्या? नहीं नहीं भाई, रुको यार, मुझे वैसे पता ये बेवकूफ है, ऐसे नहीं आते हैं। बट क्या जा रहा है भाई ट्राई करने में? रुको, मैं ना बॉल यहाँ पे फेंकने वाला हूँ। मैंने बॉल फेंक दी है और 6% चांसेस मुझे यहाँ पे दिखा रहा है और वो बाहर आ चुका है, अपना लफड़ा हो चुका है भाई अभी ना यहाँ पे। चलो भाई उतरते हैं। आओ भाई, फाइट का टाइम यहाँ पे आ चुका है। चलो लेट्स गो, अब वापस से फाइट दिखाते हैं भाई यहाँ पे। और मैं अपने पॉकीमॉल्स की वो हेल्प करने वाला हूँ। और मुझे पता है, अंदर आजा, वापस आजा भाई, ये तो पेल रहा है भाई इन लोगों को। और एक सेकंड, इसका अटैक क्या भाई? ये फ्रोज करता है। रुको रुको रुको, ये तो अपने को भाई कैसे बयाल में चाहिए। मैं ना भाई फुल ट्राई करने वाला हूँ और बॉल फेंकता रहूंगा भाई। अपने बॉलों की कमी नहीं है। और नहीं भाई, अभी कुछ फायदा नहीं है भाई बॉल फेंकने का ना। बट वो बात है, अपने को ना टाइम मिल जाता है। वापस से अपना पॉकीमॉन को फेंकता हूँ। और एक सेकंड भाई, इसने तो आती उस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है भाई। तू अटैक कर, किस बात का वेट कर रहा है? रुको भाई, ये कुछ ज्यादा ही मूवमेंट कर रहा है। मैं ना इस पे एम भी अच्छे से लगा नहीं पा रहा हूँ। बट नहीं भाई, मुझे नहीं लगता है मैं इसको पकड़ पाऊंगा, बट मैं ट्राई करके रहूंगा। रुको, अभी ना इसके पीछे छुपते हैं और उसको बुलाते हैं वापस। यहाँ पे ना अपना दूसरा पॉकीमॉन काम आने वाला है, जो कि है डियर। इसको मैंने छोड़ दिया और इसको देते हैं अटैक पे। और मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे डंडा यूज करते हैं भाई इसको मारने के लिए। रुको, प्यास की आंख, ये बढ़िया था। रुको रुको, मैं भी यहाँ पे फायर करने का। भाई नहीं नहीं यार, क्लोज का तो बहुत ही बेकार डिसीजन है भाई। नहीं नहीं नहीं, ओ क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। बट मैं यहाँ पे काफी ज्यादा लो हो चुका हूँ। वापस बुलाते हैं और वापस से फेंकते हैं और दोबारा इसको अटैक कमांड देते हैं। नहीं यार गाइस, मैंने गलती कर दी है भाई। मुझे ना छुप के खेलना चाहिए था भाई। मैं डायरेक्ट उसके सामने जो मैंने डिसीजन लिया ना, वो डंडे से अटैक करने वाला, वो बेकार था। मुझे यहाँ पे एक्सबो से ही फाइट लेनी चाहिए थी। गाइस यार, मैं ना अभी वापस उसी लोकेशन पे आ चुका हूँ और मैंने अपनी लूट भी फुली ले ली है। बट वो वाला पॉकीमोन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा यार। अपने हाथ से निकल तो नहीं गया ना वो? वैसे ढूंढता हूँ यार, वो ना ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं पे आसपास कहीं पे घूम रहा होगा भाई। पता है मैंने क्या गलती करी भाई? मैंने ईगली यूज नहीं करी यार। अपनी जो नाइट विंग है ना, उसको यूज करना चाहिए था। और एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं मिली तो भाई ये किस काम आएंगे। रुको भाई, ये भाग रहे हैं, इनको पहले ट्रिगर करता हूँ पकड़ के। ओए तू अंदर आ भाई, तू अंदर आ पहले तो। रुको भाई, इसको ना अपनी एक्सबो से ट्रिगर करते हैं। दोनों के दोनों भाग चुके हैं। एक सेकेंड, कहाँ जाएगा भाई? रुको रुको, मैंने ट्रिगर कर दिया इसको और फटाफट से यहाँ पे मैंने अपना पॉकीमॉन भी निकाल दिया। थोड़ी देर में ना मैं यहाँ पे ईगल को निकालूंगा। और इसका लेवल 10 है भाई, ये तो पकड़ा जा सकता है यार एक तरीके से देखा जाए तो भाई। बट ये साइज में तो कुछ ज्यादा ही यूज है यार ये वाला। और ये अटैक कैसे करता है? ये क्या फेंक के मार रहा है भाई? ये तो कुछ जबरदस्ती फेंक रहा है। बाकी मैं ना इसके हेड शॉट मारूंगा यार। अपनी एक्सबो जो है ना, ज्यादा डैमेज फिलहाल अभी नहीं दे रही है तो। ओ भाई, अब मेरे पॉकीमॉन से भी लड़ ले भाई, तू तो मुझे ही मार रहा है। एक सेकंड, शायद आई थिंक अपना काम बन चुका है। और कोई जो पॉकीमॉन है ना, वो इसको मार के लो कर रहा है। हाँ, इसकी फाइट होने दो, मैं इसको बाद में यहाँ पे पकड़ूंगा। ओ बच गया भाई, जस्ट मैं बार बार ट्राई करता हूँ बॉल फेंक के ना। ओ भाई, कोई और भी मुझे मार रहा है यहाँ पे भाई। ये कैप्चर हो जाए 29-60 भाई, नहीं हो पाया। और इसका दोस्त क्यों मुझे मार रहा है भाई? मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं है। रुको भाई, मुझे ना एक काम करता हूँ, अपने डियर को यहाँ पे निकालता हूँ भाई। ये तो बहुत जबरदस्त टक्कर मारता है। रुको, इसको मैंने निकाल दिया है और इसको कमांड मैंने यहाँ पे दे दिया। और भाई इतनी भी जबरदस्त टक्कर नहीं मानती, इसको मार ही दिया भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब अकेले वाले से हमारी फाइट होगी। ये ना दो दो आ रहे थे तो दिक्कत हो गई थी, अभी तो मैं आराम से पकड़ लूंगा। अभी ना एक अकेला बचा है उस तरफ, उसको पकड़ते हैं। वो कौन से लेवल का है? कहाँ गया भाई? इधर ही तो था ना। बुरा बुरा बुरा, वहां पे है। इस बार हम यूज करने वाले अपनी ईगल को भाई। इसको निकालता हूँ पहले और इसको अभी से दे देता हूँ अग्रेसिव अटैक का। अब ना इस बंदे को ट्रिगर भी कर देता हूँ, तभी यहाँ पे ना इसको फायर करेगी अपनी ईगल। एक सेकंड रुक जाओ, और मैंने इसको ट्रिगर कर दिया है भाई। ईगल संभाल लियो, देखा मैंने तेरे ऊपर यहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया है। अंधेरा भी यहाँ पे
कुछ ज्यादा ही हो चुका है और भाई अपने ईगल ने ना यहाँ पे फाइट लेना शुरू कर दिया गाइस। अभी ना मैं देखो यही करा करूंगा भाई, पीछे रुक कर देखा करूंगा, जैसी हेल्थ लो ही ना तुरंत इस पे बॉल फेंक दी जस्ट सिंपली। ठीक है, वैसे मैंने अभी तो जस्ट ट्राई करने के लिए फेंकी थी। अपनी ईगल को इसकी पावर लो करने दो, ज्यादा लो तो नहीं कर दी ना, कहां गई? नहीं अभी ज्यादा लो नहीं करी, अभी थोड़ी सी और लो करनी है भाई। अटैक कर, अटैक कर, फुल एकदम अग्रेसिव अटैक चाहिए मेरे को भाई, बहुत बढ़िया। और ये अटैक करने भाई ये ना इसको बहुत मस्त मूव है यार, ये विंग वाला ना बस काफी है, काफी है, काफी है। अब हम ट्राई करते हैं इसको पकड़ने का। ओके, मैंने फेंक दिया है 28%। भाई प्लीज आ जाइयो यार, प्लीज आ जाइयो। 59, 60, 99, 100, लेट्स गो। हमने यहाँ पे एक और बढ़िया पॉकीमोन पकड़ लिया है। अब मैं समझ रहा हूँ, देखो अपना पहला दिन है तो थोड़ी बहुत गलतियां मेरे से हो रही है, बट अब मैं समझ रहा हूँ कि भाई फाइट किस तरीके से लेनी है। देखो मुझे ना भाई किसी का कवर लेके फाइट लेनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पत्थर का भी कवर लिया था, और फायर भी करते रहना है, अपने पॉकीमोन की हेल्प भी करनी है। बाकी ज्यादा काम मेरे पॉकीमोन करेगा, उस पर डिपेंड करना है भाई, वो जैसे उसकी हेल्थ लो करेगा तब जाके हमें उसको कैप्चर करना है पास पैर फेंक के। जो अपना लेवल है ना भाई वो यहाँ पे 10 हो चुका है, और जो अपना बेस का लेवल है वो 6 है। चलो भाई चल के उसको भी 7 कर देंगे। बाकी ये जगह भी मस्त है यार, यहाँ पे कोई टेलीपोर्ट वाला ढूंढते हैं जो कि सिंपली हम वापस दोबारा से जल्दी से यहाँ पे आ जाए। एक तो ये मेरी बात नहीं सुन रहा भाई, भागा जाता है यार, मुझे इसके ऊपर बैठना होता है। लो भाई मुझे ना पे फास्ट ट्रेवल का मिल चुका है, फटाफट से ना चलते अपने बेस पे, और वहां चल के ना मैं अपना बेस भी अपग्रेड करने वाला हूँ अभी। भाई साहब मतलब मजा ही आ गया भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल पॉकीमॉन्स हमने पकड़े हैं। अभी जो भी बेस्ट पॉकीमॉन्स है ना उनको मैं बाहर निकालने वाला हूँ। देखो पहले ना भाई बेस को अपग्रेड करते हैं, फिर निकालेंगे हम, फिर और भी ज्यादा पॉकीमॉन्स को बाहर निकाल पाएंगे। एक बार चेक करते हैं भाई बेस अपग्रेड के लिए। वेट भाई, हमें सब कुछ कर रखा है यार, मैंने अपग्रेड ही नहीं किया था। ओके चलो यार, लेवल 7 को फाइनली हमने यहाँ पे कर दिया, और बैंस क्या अभी चेक करते हैं हम कितने पॉकीमॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। ओके यहाँ पे एक और आ चुका है, रुको अब ना इनको सुबह देखेंगे। भाई अभी तो मुझे पता था, देखो मैंने इनको बाहर निकाला नहीं, आते सोना इन्होंने शुरू कर दिया है। वो बड़े वाला कहाँ पे सो रहा है जो हम अभी पकड़ के लाए थे, उसको मुझे देखना है यार। रुको वो ग्रीन वाला कहाँ गया, ये कौन है? अबे ये कौन सा, अच्छा भाई भाई मैं कह रहा हूँ ये कौन सा पॉकीमोन है, ये ना मंकी और यहाँ पे फॉक्स वायर दोनों साथ सो रहे हैं, बट मुझे यार वो वाला नजर नहीं आ रहा है जिसको हम पकड़ के लेके आए थे। भाई वो तो वो है क्या वहाँ पे? नहीं यार वो तो मेमोरेस्ट है। ओ वेट भाई वो ऊपर जाके सो रहा है यार, छत पे, यहाँ पे सो रहा है भाई, ये भी मस्त एकदम। भाई कुछ भी कहो यार, ये गेम ना इसमें काफी बढ़िया बढ़िया चीज है। देखो जो आज हमने पाल्स देखे ना भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी तकड़े तकड़े पाल्स है भाई इस गेम में, जो कि हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और देखो यार इस वाले एपिसोड में ना अपने से कुछ ज्यादा ही गलतियां हुई है, बट कोई बात नहीं भाई, पहली वीडियो थी और आज मैं भी इसको भाई पहली बार खेल रहा हूँ, तो अपना हाथ इतने अच्छे से नहीं बैठा है, धीरे धीरे अपना हाथ बैठ जाएगा, फिर भाई बहुत मजा आने वाला है। बाकी आई होप भाई आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। जितने भी लोगों ने भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखा ना, कमेंट में अपने नाम के साथ ओपी लिख देना, जिससे मैं देख पाऊँ कि भाई मेरा कौन कौन ट्रू सपोर्टर है जो कि वीडियो को एकदम लास्ट तक देखता है। बाकी कुछ भी कहो भाई, आज ना हमने बहुत ज्यादा मजे किया, मतलब देखो, और एक सेकंड सुबह भी हो गई क्या? देख रहे हो सुबह उठे हैं नहीं, काम पे लग गया ये लोग ना यहाँ पे। हाँ मैं कह रहा था कि भाई आज ना हमने बहुत सारे पॉकीमॉन्स पकड़े हैं, एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया था, साथ ही साथ हमने ये आलीशान महल भी यहाँ पे बना लिया है। मतलब हाँ यार अभी नहीं है, आगे आके मैं इसको बना दूंगा, बट मैंने नहीं सोचा था यार इतने सारे पॉकीमॉन्स हम पकड़ पाएंगे, वो भी इतने बढ़िया बढ़िया। बट कोई बात नहीं भाई, ये तो बस शुरुआत है, आगे आके ना भाई पाल वाल की वीडियोस में बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलने वाला है आप लोगों को, तो बस सपोर्ट करना यार, जैसे कि आप लोग जीटीए को सपोर्ट करते हो ना GTA सीरीज को, वैसे इस वीडियो को भी सपोर्ट करना। और हाँ जो अपना एपिसोड 17 है वो भी जल्दी आने वाला है, उस पे भी काम चल रहा है भाई फुल जोरों शोरों से। तो चलो फिर यार आज वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप भाई सभी को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो भाई वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर देना, और भाई कमेंट जरूर करना क्योंकि मैं इस वीडियो में सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट धमाकेदार एपिसोड में, इतना थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।